आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है अपना आम आदमी की अकाउंट्स पाठशाला। ये बेसिकली एक सीरीज चालू कर रहा हूं मैं। ये शायद इस सीरीज का तीसरा चैप्टर है और मैं इसी सीरीज पे के नीचे जितने भी फाइनेंशियल टॉपिक लेने वाला हूं, जितने भी बैलेंस शीट से, P&L से, पैसे से, फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक है, वो इस हेडिंग के अंदर एक सीरीज चालू करने वाला हूँ। तो अभी ये आप फर्स्ट लोग हैं जिनको ये सीरीज का पता है। बाकी अभी यूट्यूब पे धीरे धीरे सीरीज लॉन्च होगी। तो जो अभी मान लो कि अपन 3 क्लास में करेंगे, इस 3 क्लास पे कम से कम 20 वीडियो बनेंगे और टुकड़ों में अगले 6 महीने तक पहुंचेंगे। तो जो ज्ञान जनरल पब्लिक तक अगले 6 महीने में पहुंचने वाला है, वो आधा से ज़्यादा आप ले चुके हो और अभी आप लेने वाले हो। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ बींग अ पार्ट ऑफ फ्रीडम प्रेन्योर ग्रुप। जो हमारा ग्रुप है फ्रीडम प्रेन्योर का, जो हर सैटरडे मिलता है, उसके होने का ये फायदा है कि बहुत सारा नॉलेज जो जनता को बाद में मिलेगा, टुकड़ों में मिलेगा, वो बड़ा डिटेल्ड में और बहुत पहले आपको मिल जाता है। तो आपको एक बेसिक एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है सर। सो आज भाई साहब बराल जी, आज सुबह सुबह सर्दी से उठाए, आज मुझे बताओ कि आज सुबह सुबह उठ के हम ये देखते हैं कि भैया उठे हैं तो उसकी वर्थ आनी चाहिए। तो सर आज हम जो उठे हैं उसकी वर्थ आएगी क्या? तो आज आपको किन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि नंबर वन रीजन क्या होता है किसी भी बिजनेस की फेलियर का? मार्केट जो कोलैप्स हो जाए, आपकी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, वो बाहरी रीजन है। इंटरनल ऐसा क्या रीजन होता है कि आपकी वजह से नंबर वन रीजन क्या है कि आप बिजनेस फेल हो गया? या कौन से दो ऐसे फाइनेंशियल गोल्डन रूल है, दो फाइनेंशियल गोल्डन रूल है कि ये आपने फॉलो किए तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कभी आएगा ही नहीं? या दो, या इसी को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि दो ऐसे फाइनेंशियल सुसाइड है कि अगर आपने इन दो बातों को नहीं माना तो आप मान लो आप फाइनेंशियल आत्महत्या के लिए तैयार हो गए। तो ये कौन सी दो फाइनेंशियल आत्महत्याएं हैं, कौन से दो गोल्डन रूल हैं जो हमें फॉलो करने हैं, कौन सी दो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है? आज हम ये भी सीखेंगे कि भैया हमारे बिजनेस की ROI क्या होनी चाहिए। जब कहते हैं सर जी कितना कमाएं, 5% कमाऊं, 10% कमाऊं, 20% कमाऊं, कितना कमाऊं सर मुझे बताओगे तो सही? तो आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं बताने वाला हूं आपकी कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी फर्म का एक छुपा हुआ इन्वेस्टर भी है जो वहां पे मौजूद है, जो आपको चुपके से फंडिंग भी कर रहा है, पैसे भी दे रहा है, ब्याज भी नहीं ले रहा है और आपको पता ही नहीं है। पांचवा, ओनर की कैपिटल मोस्टली। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं सर, खुद का पैसा महंगा होता है, दूसरे के पैसे से काम करना चाहिए। खुद का पैसा महंगा होता है, दूसरे के पैसे से काम करना चाहिए। तो खुद का पैसा महंगा क्यों होता है और दूसरे के पैसे से काम क्यों करना चाहिए, अपन उस पर बात करेंगे कि भैया दूसरों के पैसे से बिजनेस करना बेस्ट वे क्यों होता है। भाई जेफ बेजोस है, जेफ बेजोस को पैसे की कमी नहीं है, एलन मस्क को पैसे की कमी नहीं है, मुकेश अंबानी को पैसे की कमी नहीं है, बट इनकी नेटवर्थ जितनी है उससे कहीं ज़्यादा इनके पास लोन भी है। तो ऐसा क्यों है साहब, ये क्यों करते हैं? और एक फाइनली क्रेडिबिलिटी ट्रैप क्या होता है कि भाई साहब मार्केट में क्रेडिबिलिटी होने से भी आप फंस जाते हैं। मार्केट में क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फंसते हैं, और मार्केट में क्रेडिबिलिटी बन गई, मार्केट में पैठ बन गई, मार्केट में आपका नाम चलने लग गया तो भी वो आपको एक फाइनेंशियल ट्रैप में डाल देता है, क्यों और कैसे? सो नाउ इफ यू आर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन, तो लग रहा है कि आज का सेशन भैया धमाकेदार होने वाला है, तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो कि एक्साइटेड, तो फिर अपन इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मीन लाइन लेट वी सी, आई कैन 84 लोग हो चुके हैं, अपन को शतक मारना है, मात्र 16 लोग कम है हमारे शतक से, 16 कदम दूर। तो इसको अभी अभी आपको 10 सेकंड का टाइम में देता हूं, अगले 10 से 15 सेकंड में अभी YouTube पे इसको प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ताकि जो आपका दोस्त अभी रजाइयों में बैठ के सुबह जब Facebook को स्क्रॉल कर रहा है, सुबह जब Facebook को वो स्क्रॉल कर रहा है कि ठीक है कि क्या हुआ, मोदी जी ने क्या कहा, हो सकता है वो आपके कहने से ज्ञान की बात को सीख ले। सो अभी अपने 84 हैं, अपन को शतक पहुंचाना है, 16 लोग दूर है अपन शतक से। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इधर पे, उधर पे, सब जगह ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक बार शेयर करो कि भैया एक अमेजिंग सेशन चल रहा है, अगर इन 7 सवाल के जवाब आपको मानने हैं तो जल्दी जल्दी भाग के पहुँचो। डन सर। तो अभी हम उठ गए हैं, तो जो हम उठ के खुद का भला कर रहे हैं और एक बटन दबाने से अगर जनता का भी भला हो सकता है तो करते हैं। ठीक है सर, तो अभी इसको मैक्सिमम शेयर कर दें। थैंक यू वीके मौर्य जी, ओम रस्तोगी जी, अनूप गोयनका जी, पलक जी, भोलेवाला जी, अगेन सुनील जी, रॉयल आटो जी, राजीव वाधवा जी, अमृत सिंह जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो सबसे पहले नंबर वन रीजन बिजनेस फेलियर का क्या होता है, चैट बॉक्स में एक बार आप बताओ आपको क्या लगता है कि क्या रीजन होता है, क्या लगता है आपको क्या रीजन होता है नंबर वन बिजनेस, नंबर वन रीजन फॉर बिजनेस फेलियर इंटरनल। अपन कहते हैं ऐसा कोरोना आ गया, वो तो एक्सटर्नल था, आपके हाथ में था ही नहीं।
सर तो इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने ऐसा रूल लेके आ गई कि अब हमारी सोलर में साहब ऐसा रूल आ गया है कि हमारी इंडस्ट्री में भैया अब नए प्लांट लगी नहीं रहे साहब, या गवर्नमेंट ने ऐसा रूल लेके आ गया कि हमारी इंडस्ट्री तो तबाह हो गई साहब, या इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी, या कुछ भी मार्केट में ऐसा हो गया, वो तो एक्सटर्नल है। हमारे इंटरनल हमसे ऐसी क्या गलती हो जाती है कि बिजनेस ही कोलैप्स हो जाता है, हमसे ऐसी क्या गलती हो जाती है जो बिजनेस ही कोलैप्स होता है, या मैं कहूंगा कि एक बार तो पनप ही नहीं पाता, एक तो कोई चीज बनेगी और फिर कोलैप्स होगी, मैं कह रहा हूं बन ही नहीं पाता। चैनल जी थ्री डी चैनल जी जो है आप शुभनाम वो कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट होता है जी, किस तरह का मिसमैनेजमेंट? एसके जी कुंदन जी कह रहे हैं मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ग्रेट, कि रिसोर्सेस का मिसमैनेजमेंट होता है, किस प्रकार के रिसोर्स का मिसमैनेजमेंट? फंड मैनेजमेंट, ओके ग्रेट। सो टेक्निकली स्पीकिंग भैया नंबर वन रीजन ये होता है कि भैया हम मैनेज नहीं कर पाते रिसोर्सेस को, लेकिन अगर हम एम्प्लॉय मैनेज नहीं कर पाते हमारी प्रोडक्टिविटी लो होती है। देखो अगर आप अपने एम्प्लॉय को प्रोडक्ट मैनेज नहीं कर पाओगे तो प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी, 100 पहुंच सकते थे तो हो सकता है आप 80 पहुंचोगे, 70 पहुंचोगे, 85 पहुंच पाओगे एम्प्लॉय मैनेज नहीं कर पाए तो। लेकिन भैया फंड मैनेज नहीं कर पाए तो एकदम उल्टा घुस जाते हैं। माइंडसेट भी हमारा स्ट्रांग हो सकता है सर, हो सकता है हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो, हमारा माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव है, मैं भाई साहब जीवन में मेरी ग्रोथ चाहता हूँ, समाज की ग्रोथ चाहता हूँ, मेरे एम्प्लॉय की ग्रोथ चाहता हूँ, मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर अगर मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही करना नहीं आता तो मेरी सोच मेरे तक ही रह जाएगी, पर वो रिसोर्सेस तो खराब ही हो गए सब। तो हमें जो पैसे का मैनेजमेंट नहीं आता वो नंबर वन रीजन हो जाता है बिजनेस फेलियर का, क्योंकि एम्प्लॉय को ढंग से नहीं मैनेज करने से हमारे इंटरनल समस्या आती है, हमारी प्रोडक्टिविटी 100 से शायद 50 रह जाती होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी 100 से 500 जा सकती है, पर हो सकता है 125 ही जाती होगी, लेकिन उससे बिजनेस कोलैप्स तो नहीं होता। सेल्फ मैनेजमेंट से वही होता है कि अपने के लिमिटेशन रहती है कि यार 1 करोड़ बहुत है, अपने 5 करोड़ बहुत है, मेरा लिमिटेशन जब आ जाता है तो बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है, धीरे धीरे होती है लेकिन खत्म तो नहीं होता। बिजनेस खत्म, कोलैप्स, फेलियर, बंद, तालाबंद वो तभी होता है जब मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो, जब फंड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो, जब किसी तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो। क्योंकि देखो सर अपन कहते हैं ना सर मार्केट फेल हो, मार्केट ही नहीं चल रहा, प्रोडक्ट ही हमारा खराब है। सर आप मार्केट में घुसे थे ना जिस दिन, आप मार्केट के स्टडी करके ही घुसे थे, आपने छोटी सी दुकान खोलने से पहले भी देख लेते हो कि इस गली में खोलूं नहीं खोलूं, इस मार्केट में खोलूं नहीं खोलूं, तो मार्केट तो आप देख दाख के घुसे थे साहब। दूसरा प्रोडक्ट भी आपने जांचा पर रखा, गया ऐसे नहीं था कि कोई भी प्रोडक्ट लेके घुस गए थे, प्रोडक्ट भी जांचा पर का था, तो जांचा पर का प्रोडक्ट जांचे पर के मार्केट में लेके घुसे थे। डे वन आपको बता था कि यार ये 10 लाख इस बिजनेस को करने के लिए, इस धंधे को करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, और आपने इधर उधर से कुछ जेब से, कुछ कैपिटल से, कुछ लोन से 10 लाख रुपए लिए, और आपने कहा भाई 10 लाख आ गए हैं इस प्रोडक्ट के साथ, इस मार्केट में उतर रहा हूं, अगर मैं ऐसे 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 कर जाऊंगा तो इसी 10 के 15 और 15 के 20 और 20 के 25 करते करते इसी 10 लाख से मैं 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ कमा लूंगा। और आप में से बहुतों ने ऐसा किया भी और आपने बहुतों ने ऐसा कमाया भी, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे आके वहां मिसमैनेजमेंट चालू हो जाता है और फिर या तो ग्रोथ रुक जाती है या नीचे की तरफ आनी चालू हो जाती है। और कई वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा होता है कि भैया वो ग्रोथ होती नहीं, ग्रोथ हो ही नहीं रही, ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा आंकड़ा, ठीक है। सो नाउ व्हाट टू डू? सो या तो हम क्या करते हैं कि जहां इन्वेस्ट करना था भाई साहब हम इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। और जब हम इंपॉर्टेंट एरिया में, हमारे पास पैसा तो सफिशियंट था, हमको धंधा चलाने के लिए 10 लाख रुपए ही चाहिए था, पर उसके होने के बावजूद भी भैया काम क्यों नहीं चला? क्योंकि 10 लाख हमने कई जगह जहाँ लगाना था वहाँ ढंग से लगाया नहीं, तो जहाँ लगाना था पर लगाया नहीं तो उससे क्या किया होगा आपने? जहाँ नहीं लगाना था वहाँ लगा दिया होगा। जब धंधा लगाना था जहां लगाना था वहां लगा नहीं, तो जो एक्स्ट्रा पड़ा था वो ऐसी जगह लगा दिया होगा जहां नहीं लगाना था। आपने ये गेम समझने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ जाती है कि भैया मैं कौन सा गेम खेलूं, हायर मार्जिन लो क्वांटिटी, कि भैया माल कम बेचेंगे पर मार्जिन 25% 30% 40% रख के बेचेंगे, या फिर यह कि माल धड़ाधड़ बिकना चाहिए चाहे मार्जिन 5% ही हो। तो भाई साहब हमको ये समझ नहीं आया कि हम ज्यादा मार्जिन पे कम माल बेच लें या कम मार्जिन पे ज्यादा माल बेच लें। और अगर मान लो कि राहुल जी आप कहते हो कि काम करो आप तो कम मार्जिन पे ज्यादा माल बेचो, तो कितने कम मार्जिन पे कितना ज्यादा माल बेचना है भी तो बताओ। तो पहले तो ये स्ट्रेटजी बताओ कि भैया हाई मार्जिन कम क्वांटिटी पे खेलें
या कम मार्जिन हाई क्वांटिटी पे खेले, और अगर मान लो कह दिया कि चलो ठीक है हाई मार्जिन और कम क्वांटिटी पे खेल लो, तो कितनी कम क्वांटिटी, कितना मार्जिन। सो राज जी, थैंक यू। राज जी ने बताया कि भाई साहब शतक कंप्लीट हो गया है, तो थैंक यू सर, आप लोगों की कृपा। आप लोगों ने शेयर किया होगा, तो आप लोगों ने शेयर किया तो आपके भाई बंधु यार दोस्त जुड़ गए हैं, तो अपन ने शतक मार दिया है। और अगर आप अभी और शेयरिंग करेंगे तो हो सकता है अपन दोहरा शतक भी मार दे, बाकी देखते हैं। सो क्या होता है, या तो हम इनफ कमा नहीं रहे, या कमा तो रहे हैं पर वो मार्केट में ही फंसा हुआ है, तो स्टॉक में फंस गया, डेटर्स में फंस गया। सो टेक्निकली ऐसा करते करते एक लूप ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आप कितना भी पैसा डाल लो इनफ ही नहीं होता। आपको ऐसा लगता है एक बार हालत टाइट है, कहीं से एक बार 20 लाख की लिमिट मिल जाएगी ना, मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। पता चलता है 20 लाख की लिमिट ली, वो भी घुस गई, 6 महीने बाद पता पड़ा भैया वो भी खाली हो गई, अब फिर फंस गया पैसा। अब कहीं से 25 लाख रुपए लिया, 6 महीने बाद पता चला भैया वो भी गया, तो अब ऐसे ट्रैप में फंस गए कि कुछ भी लेते जाओ सब जाता ही जा रहा है। सो दिस इज द नंबर वन रीजन ऑफ बिजनेस फेलियर, कि हमें तो ये पता ही नहीं रहता कि भैया हम कहाँ है, ओवर इन्वेस्ट कर रहे हैं या कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से गेम में होना चाहिए, कौन सा गेम कब तक खेलना चाहिए। तो फिर कैसे पता करें साहब, क्या गोल्डन रूल का ध्यान रखें हम, कौन से ऐसी दो गोल्डन रूल का हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए, या दो कौन सी ऐसी दो गलतियां हम कर बैठते हैं जिसको फाइनेंशियल सुसाइड कहते हैं, तो जानना है सर अपने को। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले एक बार बहुत छोटे और आसान शब्दों में बैलेंस शीट समझते हैं। ये आप चैट बॉक्स में, मैं आपके साथ रहूंगा इस शीट पे कम से कम 5 से 10 मिनट तक, जब तक आपको इसमें कोई ये शीट समझ नहीं आएगी तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो इस शीट पे एक बार फोकस करके ध्यान देना, ठीक। सबसे पहली बात भी हमारी बैलेंस शीट में होता है कि पैसा आएगा और पैसा जाएगा, ठीक है। तो हमारे बताओ सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड क्या होता है। सोर्स ऑफ फंड भी दो तरह के होते हैं, एक तो लंबा जो पैसा आ गया लंबे समय तक रहेगा, एक पैसा आ गया जो भाई छोटे मोटे टाइम के लिए, 15 दिन 20 दिन महीना 3 महीना 6 महीने के लिए। तो एक तो शॉर्ट टर्म पैसा है, एक लॉन्ग टर्म है, 5 साल 10 साल 20 साल के लिए पैसा पड़ा है, एक छोटा पड़ा है। तो हमारे पास बिजनेस में पैसा चाहिए, और पैसा दो ही जगह दो तरह का होगा, एक तो लंबा और एक छोटा। तो लॉन्ग टर्म सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है सर, चैट बॉक्स में बताना आपको क्या लगता है, हाईएस्ट सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म सोर्स क्या है, सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म सोर्स क्या हुआ पैसे का बिजनेस में, ऐसा कौन सा पैसा आता है जो सबसे लंबे समय तक रहता है, हाईएस्ट टाइम तक लंबे समय तक कौन सा पैसा रहता है सोर्स ऑफ फंड में। पहला पॉइंट, सबसे लंबे समय तक रहने वाला पैसा जो सबसे पहले आता है और सबसे आखिरी में जाता है, सबसे ज्यादा समय तक इन्वेस्ट रहता है, सेल्स नहीं सर, सेल्स नॉट सेल्स, लोन नॉट सेल नॉट, मनीष गर्ग जी कहते हैं इक्विटी, एंड दैट्स द आंसर, राइट आंसर। सबसे ज्यादा लंबे समय, सबसे पहले बिजनेस में लगता है जेब का पैसा, और जब बिजनेस बंद होता है तभी वो बाहर निकलता है। तो अपनी कैपिटल सबसे ज्यादा समय तक लॉन्ग टर्म तक रहती है। अच्छा, हमको लगता है कि यार मेरी कैपिटल से तो पार नहीं पड़ रही और मुझे तो बाहर से भी पैसा लेना पड़ेगा, तो मैं डालता हूं लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन यानी 5 साल का लोन, 10 साल का लोन, 20 साल का लोन जो लिया, कि मशीनरी पे 15 साल का लोन है जी, फैक्ट्री पे 20 साल का लोन है जी, या फिर किसी और से लिया है अपन ने, घर से, परिवार से, यार से, दोस्त से लोन लिया है, या ऐसे व्यक्ति से लोन लिया है जिसने कह दिया भाई साहब दे ही मत चाहे, आराम से 10 साल बाद देना, कोई जल्दी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म सोर्स दो क्या है, एक तो जो हम जेब से लेके आएंगे वो, या एक लॉन्ग टर्म हमको मिला है लोन, चाहे वो हमारे दोस्त ने दिया है, भाई ने दिया है, ससुर जी ने दिया है, या फिर हमको बैंक ने दिया है, लंबा टर्म का सोर्स। छोटा सोर्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड क्या होता है, शॉर्ट टर्म सोर्स आ गया सबसे पहला शॉर्ट टर्म लोन्स, कि भैया सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, इसका क्या है भैया, ये तो चलती जा रही है, ये तो जैसे पैसा आया जमा करा दो, उसके तो ब्याज लग रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म लोन है, लंबे टर्म का लोन नहीं है, ये तो शॉर्ट टर्म लोन है भैया, सीसी लिमिट चल रही है, या एक पर्सनल लोन लिया था साहब 3 लाख का, या दोस्त को 3 साल के लिए पर्सनल लोन ले लिया था, किसी दोस्त से कहा था भाई पैसे दे भाई 6 महीने में तेरे को वापस देता हूं, तो सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, शॉर्ट टर्म लोन जो साल 2 साल 6 महीने साल 2-3 साल में पेड है, ये शॉर्ट टर्म सोर्स हो गया साहब। और क्रेडिटर फॉर गुड्स, अब ऐसा माल आपने 50 लाख का माल लिया, उसको कभी आप पैसे 3 महीने बाद देता हूं, तो वो भी एक तरह से फंडिंग का सोर्स ही आ गया ना, पैसा तो आ ही रहा है।
पैसा तो आएगी भाई, पैसा नहीं आया पैसे के बदले, माल आ गया, लेकिन फंड में तो पैसा आ गया ना आपको घुमाने के लिए। मैं 50 लाख नकद दूं या 50 लाख का माल दूं, बात तो एक ही आ गई, लेकिन वो 50 लाख के माल का 3 महीने में मुझे पेमेंट करना है, मैं कर दूंगा। लेकिन भाई साहब जितने एवरेज क्रेडिटर, जितनी मार्केट में मुझे उधारी मिल जाती है छोटे टाइम की, कि भाई राहुल जी आप 25 लाख का माल एनी टाइम खरीद लो, कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, 25 लाख का माल आराम से ले लो, पैसे देते रहना। तो अपन क्या करते हैं, 25 लाख का माल लिया, अब उसमें क्या है कि उसको 10 लाख का पेमेंट करेंगे पर 10 लाख का ऑर्डर फिर लिखा देंगे, तो टेक्निकली वो 25 लाख तो घूम फिर के हमारे पास ही रह गया, पर वो कभी भी मांग सकता है, ऐसा नहीं कि जीवन भर रह गया। वो हो सकता है कि नहीं भाई साहब अपना तो हिसाब जीरो करो, तो अपन उसको शॉर्ट टर्म ही मानते हैं। और क्रेडिट वो खर्चे है कि भाई किसी की सैलरी ड्यू है 2 महीने की, आपका सीए साहब का फीस ड्यू है ऑडिट की 50,000 रुपए की, यानी बहुत सारे ऐसे खर्चे कि सीए को पैसे तो काम करता तो 50,000 देने पड़ते, आपने कहा सीए साहब अगले साल ले लेना, तो वो क्या है कि 50,000 रुपए उसको देते पर नहीं दिए तो उसने 50,000 की सर्विस दी, वो शॉर्ट टर्म फंड हमारे पास पड़ा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत साहब कि हमारी बैलेंस शीट में जो सोर्स ऑफ फंड होता है 113 पे पहुंच गए सर, बन इसको 150 तक पहुंचाते हैं, अब थोड़ा जोर लगाते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्स हमारी या तो कैपिटल है या लॉन्ग टर्म लोन है या शॉर्ट टर्म सोर्स है भैया, सीसीओडी लिमिट हो गई, बैंक का उधारी जो एक्सपेंस रोक लिया हमने, माल का पैसा जो रोक लिया, ये पैसा हमारे हाथ में होता है। हमारा पैसा आता कहाँ से, या तो खुद का लगाते हैं या लोन का लगाते हैं या इन दोनों का रोक लेते हैं, ऐसे पैसा आता है, और क्या आता है। क्लियर है सोर्स में कोई दिक्कत? ओके, अब आते हैं यूजेज ऑफ फंड कि भैया पैसा आता है जाता कहाँ है। तो लॉन्ग टर्म पैसा कहाँ जाता है, लॉन्ग टर्म जाएगा भाई असेट में। आपने बिल्डिंग खरीद ली तो भैया पैसा लग गया, आपने बड़ी मशीन खरीद ली भैया पैसा लग गया, आपने ऑफिस खरीद लिया, आपने जो भी मोटा खर्चा कर दिया, आपने लाइसेंस ले लिया, आपने फ्रेंचाइजी फीस लगा दी, आपने जो भी लंबे टाइम के लिए अटका दिया वो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फंड हो गया। तो नॉर्मली फिक्स असेट्स हो गया, मशीन हो गया, ऑफिस हो गया, फर्नीचर हो गया, ये वाली चीजें होगी कि फर्नीचर ले लिया गई 10 साल की, मशीन ले ली गई 10 साल की, ऑफिस ले लिया गई जीवन भर की, फैक्ट्री ले ली गई जीवन भर की। तो ये पैसे से क्या करेंगे, या तो हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं या छोटे समय के लिए करते हैं कि भैया ये पैसा कहाँ है। बोले साहब लोगों को उधारी दी थी, लोगों से भी आई नहीं है, या देखो माल पड़ा भाई साहब 25 लाख का माल ही पड़ा है मेरे पास, या ये 5-10 लाख देखो खाते में भी पड़े। तो ये पैसा हमारा खर्च होता है, आता कहाँ से है, भी लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लेते हैं, शॉर्ट टर्म लेते हैं, और लगाते कहाँ है, कैपिटल पे या वर्किंग कैपिटल पे, इसमें कोई डाउट? इसको अगर मैं लॉजिकल तरीके से एकदम सिंपल ब्रेन से समझाता हूँ कि देखो यहाँ से चालू कर दें, क्लियर आ रहा? हाँ, हम बिजनेस में घुसे कैपिटल लेके, हम बिजनेस में आए 10 लाख रुपये लेके, भैया 10 लाख रुपये मेरी जेब में, मैं एंटर कर दूँ, लॉन्ग टर्म सोर्स लेके आए 10 लाख का, फिर आपने सबसे पहले क्या करा उससे फिक्स असेट्स ले ली, एक सेकेंड, ये हाँ, आपने सबसे पहले क्या किया, कैपिटल लेके आया, फिक्स एसेट ले लिया, आपने किराया दे दिया दुकान का, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा दिया, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा दिया, दुकान लेके बैठ गए, फिर क्या किया साहब, फिर 5 लाख का माल भर लिया उसमें साहब, फिर आपने 5 लाख का माल भर लिया, फिर आपने क्या कुछ समय का कैश रख लिया कि भैया थोड़ा बहुत कैश हाथ में रहना चाहिए कोई बात हो जाए तो आपने पहले खुद की कैपिटल लेके आए, खुद की कैपिटल से कुछ असेट बनाई, कुछ फिक्स असेट्स में आपने कहा भाई कुर्सी ले लूं, मेरे बैठने के लिए कुर्सी ले लूं, टेबल ले लूं, साथ क्लाइंट आएगा उसके बैठने के लिए टेबल कुर्सी लगवा लूं, ऑफिस में पुताई करा लूं, बाहर मेरा बोर्ड लगवा लूं, ये आपने सारे फिक्स खर्चे कर लिए एक बार में, बाहर बोर्ड लगाना, ठीक है ना, ऑफिस का फर्नीचर लेना, फैक्ट्री में मशीनें लगवाना, वो जो सारे खर्चे करने थे आपने कैपिटल, हाँ सी है, ये सारे आपने फिक्स खर्चे कर लिए। फिर आपने कहा माल चलाने के लिए भैया कुछ पैसे का शुरुआत में तो माल खरीद लिया और कुछ पैसा हाथ में रखा भैया कैश चलाने के लिए, ऐसे होता बिजनेस चालू। फिर बिजनेस चालू करने के बाद अपन को लगता भैया एक बार रोटेशन घूम गया, माल खरीदा था, माल बेचा, अब हम इसके पास गए भैया और पैसा चाहिए, अब पैसा तो चाहिए ना, 10 लाख से थोड़ी धंधा होगा, बढ़ाना है, तो अब दूसरा पैसा कहाँ लाए, तो और पैसे डालो कैपिटल हो, तो भाई कैपिटल नहीं है, कैपिटल इतनी लाए थे 10 लाख रुपये, अब नहीं है, माल कैसे लेते हैं, काम करते हैं माल के लिए, तो ये फंडिंग कर देगा, इससे 10 लाख का माल लेते हैं, इसको कौन से भी 10 लाख देने हैं, तो 10 लाख की इससे लाइबिलिटी ले ली, हमारे इधर स्टॉक खड़ा कर लिया। अब जो माल लिया है 10 लाख का, उसके 3 ही काम है, या तो बिक के पैसा आ गया तो कैश में पड़ा है, या तो बिक के आ गया तो कैश में पड़ा है, और अगर नहीं बिका तो स्टॉक में पड़ा है, और बिक गया पर पैसा नहीं आया तो डेटर्स में पड़ा है। तो ये 3 चीजें क्रेडिटर से खड़ी हो गई। अब उनको लग रहा है यार स्टॉक में बहुत दिन से माल पड़ा है, पैसा नहीं आ रहा, और भाई सब डेटर्स भी पैसे नहीं दे रहे, क्या करें,
बोले एक काम कर, छोटे मोटे लोन ले ले, सीसीओडी खुला ले, तभी जाके पार पड़ेगी। तो फिर सीसीओडी खुलाई, तब जाके इसकी पार पड़ी। और फिर इनका पेमेंट करने के लिए कभी कभी इन बिचारों का पेमेंट रुक जाता था। और जब बिजनेस में ग्रोथ किया है कि भैया अब एक अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, अपन को एक 25 लाख की मशीनरी नहीं लगानी पड़ेगी, तो एक लॉन्ग टर्म लोन ले लिया ताकि लॉन्ग टर्म मशीनरी ले सके। और इसी तरह हमारे बिजनेस का सर्किल घूम रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट कि भाई साहब हम पैसा लेके आते हैं और इसी तरह से घुमाते हैं और ऐसे ऐसे चलता है, अल्टीमेटली आज नहीं तो कल हमको बिजनेस में शुरुआत तो कैपिटल से ही करते हैं, पर धीरे धीरे फिर हमको माल वालों से लोन उधार मिलना चालू होती है, उधार माल लेते हैं, फिर धीरे धीरे एक लिमिट खुलवाते हैं 2-3 साल में, फिर 5-1 साल में बिजनेस बढ़ाना होता है तो लंबा लोन ले लेते हैं, और ये रोटेशन घूमता रहता है। इसमें कोई डाउट किसी को? अभी तक सही जा रहा है साहब? तो अब ये जो चीज अगर आप समझ गए हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको दो फाइनेंशियल गोल्डन रूल समझाते हैं। सबसे पहला भाई साहब गोल्डन रूल ये है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। बोल रहा हूँ यार इतनी सीधी बात, इसमें क्या हुआ? मतलब अगर आपने 12 रुपये पे लोन लिया तो भैया आपका उस 12 रुपये से जो लोन लिया है उससे जो भी काम करोगे उससे 12 से ऊपर कमा लेना भाई साहब, तो आप प्लस में आ जाओगे। बोले राहुल जी ये कोई गोल्डन रूल हुआ क्या? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ये तो कोई 8वीं क्लास के बच्चे से पूछोगे तो भी ये बोल देगा कि हाँ भाई साहब जितने रुपए का पैसा ले रहे हो उतने उससे ज्यादा ही कमाना चाहिए। सर बच्चा बच्चा जानता है, कॉमन सेंस है, पर मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि अपने बिजनेस में अपन इस चीज का ध्यान नहीं रखते। हम जितने रेट पे पैसा आता है उससे कम कमाते हैं जो वही बिजनेस फेलियर होते हैं। क्योंकि अगर आपने मान लो कि आपके टोटल धंधे की कॉस्टिंग को, टोटल कैपिटल की कॉस्टिंग 12% आ रही है और आपका मार्जिन 18% है, तो आप लॉस में आ ही नहीं सकते, धंधा बंद ही नहीं हो सकता। ये तभी हो रहा है जब वो 12 आ रहा है पर ये 18 कमा नहीं रहा है, और मैं भी आपको आगे जाके प्रूव कर दूंगा। लेकिन पॉइंट नंबर वन क्या है कि जितनी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है उससे ज्यादा हमें आरओआई इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको भी डिटेल में बात करूंगा, कभी भी अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल उससे यूज मत करना लॉन्ग टर्म असेट लेने के लिए। आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल ली, एक दोस्त से लोन लिया, भाई 6 महीने में देख तेरे पैसे वापस दूंगा, और उस पैसे से मशीन ले ली जिससे रिटर्न 12 महीने बाद आएगा, तो हम लटक जाते हैं। बोले नहीं सर हम तो ऐसा कभी नहीं करते। सर आपको याद भी रहता है क्या? इसे ही तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कहते हैं। आपके तो खाते में पैसा है, आपको दिखता है खाते में पैसा पड़ा, अपन काम कर लेते हैं। वो पैसा शॉर्ट टर्म सोर्स से आया था या लॉन्ग टर्म सोर्स से आया था, ये कब जाएगा, ये इससे कब रिटर्न आएगा, इतनी कैलकुलेशन हम करते ही कहाँ हैं, और मरते ही वहां पे हैं कि भैया इससे पैसा लेके मशीन में डाल दिया, मशीन भी पैसा फेंकने में टाइम लगाएगी और ये छाती पे आके खड़ा हो गया, अब मैं क्या करूं इसका। सो ये दो गोल्डन रूल है, और ऐसा नहीं मैंने एक लाइन में समझाया, इस पर बहुत डिटेल में वार्ता करने वाला हूं मैं भी, कि आपने जितने पे 12 पे अगर लिया है तो 12 से ज्यादा कमा लो, और शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में काम में नहीं लोगे कभी भी फाइनेंशियली दिक्कत में नहीं आने वाले, कभी भी जिंदगी में भी फाइनेंशियल दिक्कत में नहीं आने वाले। और अगर इसमें से कोई भी रूल तोड़ा तो आपके फाइनेंशियल हार्ड टाइट हो जाएगा, लिक्विडिटी की समस्या आ जाएगी, आप परेशानी में आ जाओगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? स्कोर देखते हैं अपना क्या हो गया। अपना स्कोर हो गया 121, 30 people टू गो। अब हमें भैया आरओआई कितनी कमानी चाहिए, राहुल जी बताओगे कि राहुल जी धंधे में कितना कमाए हमने, जो इन्वेस्टमेंट किया हमने, जो कैपिटल की भैया उस पर कितना कमाए बताओगे? अभी बताते हैं साहब। पहली बात यह है कि सिंपल आंसर है, आपको कितना कमाना चाहिए, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाए उतना कमाना चाहिए। हो सकता है भाई साहब कोई व्यक्ति 20% मार्जिन पे भी नुकसान में चला जाए, और हो सकता है कोई व्यक्ति 15% मार्जिन पे भी प्लस में आ जाए। डिपेंड करता है उसने जो धंधे में पैसा लगा रखा है वो कहां से आया है, उसका सोर्स क्या है, उस धंधे की कॉस्टिंग क्या है। क्लियर? इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। सर अभी आप टोटल फिजिक्स क्लासेस, जी विनय कुमार जी एक बार ये कंप्लीट हो जाने दो टॉपिक, आपको अपने आप सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आप एक बार फ्लो में देखते जाओ प्लीज, क्योंकि मैंने क्या इसको एकदम कोशिश कर रहा हूं कि इतना जैसे अपन इतना कि एकदम छोटे बच्चे को समझाते हैं एकदम बेसिक वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है आप में से बहुत सारे लोगों के जो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही नहीं है,
कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है, तो उसको बिजनेस समझाने के लिए बहुत धीरे धीरे मैं आसान शब्दों से चल रहा हूँ। तो एक बार सर आप इसलिए मुझे तो धीरे धीरे चलने दीजिए, आपके टॉप क्वेश्चन का जवाब के लिए आज का सेशन इसीलिए है कि लोन लेना चाहिए या नहीं, तो आप डोंट वरी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है साहब? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कि भाई मान लो एक बैलेंस शीट ऐसी है जिसमें भैया 50 लाख रुपए तो मैंने जेब से लगा रखे हैं, 50 लाख तो जेब से लगा रखे हैं, 30 लाख का लोन ले रखा है 12% पे, और 20 लाख रुपए मेरा तो माल उधारी पे मैंने लिया हुआ है, तो मेरी टोटल कैपिटल मेरी कंपनी में लगी हुई है 1 करोड़ रुपए की। क्लियर है साहब? अब मैं मुझे बताओ कि मेरी इस 1 करोड़ रुपए को काम में लेने की कॉस्टिंग क्या आ रही है? ध्रुव सोनी जी या ध्रुव सोनी जी या कोई भी, मैं एक बार, ये टॉपिक है ना शायद 9 बजे तक खत्म हो जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है, मैं आधे घंटे बैठ के आपके सारे क्वेश्चन और आंसर का जवाब दे दूंगा कि क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। पहले मेरा ऐसा मानना है कि आपके 90% प्रश्न ये प्रेजेंटेशन खत्म होते होते स्वतः ही जीरो हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप क्या, ये पॉइंट पे आप क्या पूछेंगे, मैं उसका आंसर पहले ही लेके आया हूं। तो आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाने दीजिए, क्वेश्चन आंसर मैं लास्ट में सबके लूंगा, ठीक है सर? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया हमारा 1 करोड़ रुपया बिजनेस में लगा हुआ है, इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? हमको 1 करोड़ रुपए की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, जनता क्या मान के चलती है, हम आज तक क्या मान के आए, हम आज तक ये मान के आए सर, हम आज तक ये मान के आए कि भाई साहब खुद की कैपिटल पे, खुद की कैपिटल पे तो कोई कॉस्ट ही नहीं होती। भाई बाहर से पैसा लेके आए हो ना, भाई मार्केट में मैंने तिलक उपाध्याय जी से 30 लाख रुपए लिए हैं 12% पे, तो तिलक उपाध्याय जी को तो 30,000 महीने का ब्याज जाएगा ही जाएगा, तो इनको साल के 3,60,000 देने ही देने हैं, तो भैया मैं कमाऊं चाहे नहीं कमाऊं, चाहे कुछ भी करूं, चाहे चोरी करके लाऊं, चाहे उधारी करके लाऊं, चाहे तीसरे से लोन लेके लाऊं, इनको तो 3,60,000 रुपए मुझे देने ही हैं, लेकिन मैंने जो मेरे 50 लाख रुपए लगाए उस पर मुझे कुछ देना ही नहीं है भैया, देख कमाऊंगा तो सब कुछ मेरा ही है, और नहीं कमाया तो साला डूब जाएगा, देना किसी को नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमारी कैपिटल लगी है 50 लाख, उस पर तो हमको कुछ देना ही नहीं है, 0 रुपए, और जो हमारा लोन है जो हमने तिलक उपाध्याय जी से लिया था उनको तो 3,60,000 रुपए देने ही है, और जो क्रेडिटर के 20 लाख बचा के बैठे हैं उसको आज तक पैसा दिया है क्या अपन ने किसी क्रेडिटर को? क्रेडिटर से 20 लाख का माल है, उसे 20 लाख का माल लिया, 3 महीने बाद देंगे, तो 3 महीने बाद उसको देना क्या है, 20 लाख ही तो देना है, उसको ब्याज थोड़ी देना है, तो वो तो भैया फ्री का पैसा है, तो मेरा पैसा फ्री का पैसा है, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। दूसरा जो लोन का पैसा है उसकी तो कॉस्टिंग जाएगी जाएगी भाई साहब, और जो क्रेडिटर का पैसा है वो भी फ्री का पैसा है, तो भैया मेरा टोटल जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो है 3.6%। यानी इस 1 करोड़ रुपए से अगर मैं रोटेशन घुमा के साल भर में 3,60,000 रुपए भी कमा लेता हूं तो मेरी कॉस्टिंग आ गई, और अगर मैंने 4 लाख रुपए कमा लिए तो मैं प्लस में आ गया। क्लियर है साहब? हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ऐसे ही देखते हैं कि मेरी कैपिटल तो फ्री है और जो क्रेडिटर से लिया है वो भी फ्री है, बस बैंक के ब्याज का ध्यान रखना है, मार्केट के ब्याज का ध्यान रखना है, वो ब्याज निकाल दूं अपना तो भैया कैपिटल की कॉस्ट इतनी है। एम आई राइट सर? अपन सब ऐसे ही सोचते हैं सर, चैट बॉक्स में बताना कि अपन ऐसे ही सोचते हैं क्या, क्योंकि मैं CA भी हूं और 500 ऑडिट हर साल करता हूं, तो मुझे पता है कि लोग बाग एग्जैक्टली ऐसा ही सोचते हैं, बट एक बार मैं आपसे भी सुनना चाहता हूं, भाई ऐसे ही होता है, यही है और क्या है? रामधारी जी कह रहे हैं यस, बताइए सर ऐसा ही सोचते हैं हम, ऐसे ही चलता है हमारा? सुनील जी कह रहे हैं भैया ऐसे ही देखते हैं और कैसे देखेंगे? सही कहा प्रदीप जी, ऐसे ही तो देखेंगे और कैसे देखेंगे? सर गलत देखते हैं हम, अगर आप ये देखते हैं ना तो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लग गई लंका, नोबडी कैन सेव यू, हमको कोई बचा ही नहीं सकता, हम रोएंगे आगे जाके अगर हमने ये किया तो। हमको ROI क्या कमानी चाहिए, सबसे पहले एक चीज नोटिस करना, खुद की कैपिटल फ्री नहीं होती, सबसे महंगी होती है, खुद की कैपिटल फ्री नहीं होती, सबसे महंगी होती है। अब आप बोलोगे यार सबसे महंगी कैसे होती है, फ्री नहीं होती वो तो समझ में आ गया, सबसे महंगी कैसे होती है? तो सर सबसे पहले एक बात समझना, आप
कि रिटर्न होती है रिस्क के कंपैरिजन में, यस और नो? रिटर्न क्या होती है? रिटर्न होती है रिस्क के कंपैरिजन में, कि भैया जितना रिस्क उतनी रिटर्न। एफडी में रिस्क ही नहीं है तो रिटर्न क्या है? 6% 7%। एफडी बोलती है भैया देख ऐसा है, 100 रुपए रख जा, अगले साल चाहे आंधी तूफान बाढ़ सुनामी कुछ भी आ जाए 107 रुपए मिल जाएंगे तुझे, रिस्क है जीरो, तो रिटर्न भी 7 ही दूंगा, ज्यादा नहीं है भाई साहब। मार्केट में आपने किसी को उधार दिया, उसने कहा मैं 12% दूंगा, तो उससे रिस्क क्या है? उस पर रिटर्न ज्यादा है। एफडी पे मिल रहे थे 7 रुपए, वो दे रहा 12 रुपए, 5 रुपए ज्यादा दे रहा है, लेकिन रिस्क है कि हो सकता है कहीं ये डूब गया तो, कहीं ये भाग गया तो, थोड़ी सी रिस्क ज्यादा है, लेकिन भैया उसकी रिटर्न भी तो ज्यादा है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कहता है 18 से 20% की रिटर्न आ जाएगी, लेकिन भैया डूब भी तो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा है पर भाई साहब डूबने के भी तो चांसेस हैं। ये आदमी तो चलो देखा परखा है, जिसको 10 लाख रुपए उधार दिए हैं 12% पे, इसको 10 साल से जानते हैं, इसका मकान जानते हैं, दुकान जानते हैं, चेक रखवा लिया, प्रॉपर्टी के कागज रखवा लिए, थोड़ा सोना रखवा लिया, अपने इतनी टेंशन नहीं है। रिटर्न थोड़ी सी रिस्क तो है ही, हो सकता है चेक रखने के बाद भी डूब जाए तो डूब ही जाए, रिस्क बढ़ी लेकिन मैंने रिटर्न बढ़ा ली भाई साहब। म्यूचुअल फंड में भैया रिस्क और ज्यादा है लेकिन वहां रिटर्न भी तो और ज्यादा है, 18% है भाई साहब वहां गए। तो हम क्या बोलते हैं कि जहां जैसे जैसे रिस्क बढ़ती जाएगी हम वैसे वैसे रिटर्न बढ़ाते जाते हैं, रियल ऐसा ही होता है साहब। अब बात क्या आती है कि अब आप सोचो, आपको जिसने उधार दिया है उसने दिया 12% पे, और वो क्या बोल रहा है कि तिलक उपाध्याय जी ने मुझे उधार दिए थे 30 लाख रुपए, और बोले सर जी 12% पे 30,000 महीने का ब्याज दे देना, 3,60,000 साल के चाहिए। मैं बोला जो प्रभु जो आज्ञा। अब तिलक उपाध्याय, अच्छा मैंने कहा तिलक उपाध्याय जी मेरा प्रॉफिट हो गया 10 लाख का, बोले अच्छी बात है हमारे क्या, हमको तुम्हारा 3,60 दे दो। तिलक जी हमारे प्रॉफिट हो गया 20 लाख का, बोले अच्छी बात है हमें तो हमारे 3,60 दे दो। लेकिन मैंने कहा कि तो तिलक जी अब की बार कमाया ही नहीं, कोरोना काल में जीरो है, तो बोले हमें क्या, हमें तो हमारे 3,60 दे दो। अरे तिलक जी मैं कोरोना में लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे 10 लाख का नुकसान लग गया। तो तिलक जी बोलेंगे मैं क्या करूं, मेरे को तो मेरे 3,60 दे दो। अरे तिलक जी धंधा ही बंद हो गया, फैक्ट्री बिक गई, आदमी निकाल दिए, सारे तो आदमी निकाल दिए मैंने, और मेरी फैक्ट्री बिक गई और घर बिकने की नौबत आई पड़ी है। तिलक जी बोलेंगे वो बात तो ठीक है लेकिन मुझे तो मेरे 3,60 दे दो। मुद्दा क्या है कि लेंडर ने क्या बोला, भाई तू नुकसान में जा थोड़ा या पूरा या हो जा बर्बाद, मेरा ब्याज तो खड़ा है, जब तक तू जिंदा है ना मैं तो तेरे को नीचे उड़ के निकाल लूंगा भाई। तो लेंडर ये बोल रहा है कि भैया तू मरे चाहे कहीं जा, 12% मेरे को तो मिल जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, आपने जो पैसा लगा रखा है उसमें अगर आपने कमाया 20 लाख तो आपका है, 30 लाख तो आपका है, पर अगर 10 लाख का नुकसान है वो भी तो आपका है, और धंधा बंद हो गया तो आपका तो पूरा ही गया। तो उस बिजनेस से जिस बिजनेस में एक बाहर का आदमी 12% लेके जा रहा है और कह रहा है रिस्क मेरी बिल्कुल नहीं है, तू जान तेरा धंधा जान, मेरी रिस्क नहीं है बिल्कुल ही, मेरे को तो 12 दे देना भाई साहब। उस धंधे में आपने जो पैसे डाल रखे हैं और अल्टीमेट रिस्क ले रखी है, आपकी 12 से ज्यादा रिटर्न क्यों नहीं होनी चाहिए साहब? अगले ने आपको 12% पे लोन देके आप अगले पैसे से आप काम कर रहे हो, 12% उसको दे रहे हो, तो जो आपने पैसा धंधे में लगाया वो आप भी किसी और को दे दो। आप बोलो देख मैंने ऐसा है मेरे धंधे में 50 लाख लगाए, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कौन रिस्क ले, ये 50 लाख मैंने भाई साहब एक काम कर दें, हमें 5 लाख हमने दे दिए संतोष शर्मा जी को दे दिए, कि संतोष शर्मा जी मेरे को मेरे धंधे में 50 लाख नहीं लगाने, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, संतोष जी ले लो, तो मेरी कैपिटल में संतोष जी को देता हूँ तो 12% तो गारंटीड ही हो गई, वहां तो रिस्क भी नहीं है। तो जब मेरे को रिस्क फ्री 12% मिल रहा है मेरी कैपिटल कहीं और लगा के, या मेरे धंधे से कोई और ही 12% रिस्क फ्री लेके जा रहा है, तो जब मैंने धंधे में मेरी जो कैपिटल लगाई है उसका प्रीमियम तो भाई साहब मिलना ही चाहिए ना भाई साहब। अगर एक राह चलता आदमी ने सिर्फ 10 लाख रुपए मेरे को एक 10 लाख रुपए चेक काट दिया के लिए 10 लाख रुपए पकड़, और वो हर साल जब 1-20 लेके जाता है, तो मैंने भी तो धंधे में 10 लाख डाले और मेरे तो भाई साहब रिटर्न तो फिक्स है नहीं, गारंटी फिक्स है नहीं, और सुबह से शाम तक खपता रहता हूं, तो मुझे 12 तो नहीं चाहिए ना यार, मुझे कम से कम 24 तो दो यार, यस और नो? तो अपनी कैपिटल सस्ती हुई या महंगी हुई?
क्योंकि रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा, तो आपने रिस्क इतना बड़ा लेके बैठे हो तो रिटर्न भी आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो रिटर्न तो वो ले रहा है वो तो वैसे ही ले रहा है, तो आपका तो बिना घर बैठे ही ले रहा है वो रिटर्न उतनी, तो यार आपने तो जान खपा दी, आपकी ज्यादा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सो क्या आप यहाँ पे एग्री होते हो क्या, यहाँ पे एग्री हो रहे हो क्या कि हाँ भाई साहब बात तो सही है। संतोष जी कह रहे हैं राहुल जी को पैसा भेजने दिए तो ओके डन सर, खुद की कैपिटल कितनी हो गई, महंगी हो गई साहब, क्लियर है यहाँ पे, ये हमेशा हमेशा जन्म जन्म का डाउट क्लियर कर दिया मैंने। खुद की कैपिटल इसलिए महंगी क्योंकि खुद की रिस्क ज्यादा, रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। अब आते हैं एक और रीजन है कि इस पर टैक्स डिडक्शन मिलता है, इस पर रिटर्न ज्यादा मिलती है, मैं दिखाता हूं। आपकी कैपिटल थी 20 लाख रुपए, लोन लिया, लिया ही नहीं, आपने कहा कैपिटल तो मेरी 20 लाख लगा दी, लोन मैंने लिया ही नहीं, कमाया आपने 5 लाख, 20 लाख की कैपिटल लगाई, लोन कुछ था ही नहीं तो कमा लिया आपने 5 लाख, तो 5 लाख टैक्स कितने पे लगेगा, 5 लाख पे लगेगा भाई साहब। तो इनकम टैक्स ने कहा मैं 30% टैक्स ले लेती हूँ, मैं 1.5 लाख में टैक्स ले जाती हूँ, ठीक है भाई 1.5 लाख टैक्स ले जा, तो घर में कितना बचा 3,50,000, तो 3,50,000 कितने रुपये लगा के कमाया था, 20 लाख रुपये लगा के, तो मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है 17%, 17.5%। इसमें कोई डाउट किसी को चैटबॉक्स में बताना कि मैंने भाई साहब 20 लाख की कैपिटल लगाई, 5 कमाया, 1.5 का टैक्स दिया, बचे मेरे 3.5, तो 3.5 लाख रुपए मैंने कमाए 20 लाख के कैपिटल लगा के, मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 17.5 लाख। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट, 17.5% में कोई डाउट, ठीक ठीक है। अब आते बढ़ते हैं साहब कैपिटल, अब आप नोटिस करना सेम बिजनेस सेम चीज, पर ये जो लगाया था ना कैपिटल 10 लाख की थी, लोन 10 लाख का था, ये जो 20 लाख से 5 लाख कमाए थे ना, अभी भी 20 लाख से 5 लाख कमाए, पर अब की बार क्या कैपिटल 10 लाख की थी और लोन 10 लाख का था, तो नेट प्रॉफिट आया मेरा 5 लाख का। लेकिन भैया इसमें से है ना, सॉरी ये टैक्स मैंने गलत लग दिया, इंटरेस्ट है ये, इसमें से ब्याज घटाना पड़ेगा ना, 10 लाख की कैपिटल जो ली थी उस पर 12% ब्याज देना है, तो 1,20,000 ब्याज का काटूंगा, ये टैक्स गलत लग दिया, ये इंटरेस्ट है इंटरेस्ट, तो मैंने ब्याज टैक्स ब्याज घटा दिया, तो अब मेरा जो अमाउंट हाथ में आया वो आया 3,80,000, उस पर मैंने टैक्स दे दिया 30%, 1/14, तो मेरे हाथ में आया 2,66,000। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो 26.6 हो गई, क्योंकि पहले जो 3.5 कमाए थे वो 20 लाख लगा के कमाए थे, अब की बार जो 2,66 कमाए वो मात्र 10 लाख लगा के कमा लिए। तो किसी भी रनिंग बिजनेस में जैसे कैपिटल का पोर्शन कम होता जाता है और बाहर वाले का पोर्शन ज्यादा आता जाता है, आपकी उसी कैपिटल पे रेट ज्यादा होती जाती है, क्योंकि टैक्स का बेनिफिट वहां नहीं मिलता और यहां मिलता है। सो जैसा जितना ज्यादा दुनिया का पैसा अपने पास आता जाता है उतनी ज्यादा अपनी कैपिटल पे रिटर्न आती जाती है। आपने 10 लाख रुपए कमा के 1 लाख कमाए तो वो आपकी 10, आपने लगाए थे 10 लाख रुपए और आपने कमाए 2 लाख रुपए, 20% रिटर्न है, 2 लाख घर लो और जाओ। पर आपने कहा कि भैया मैं 10 लाख किसी और से भी ले लेता हूँ, पर वो तो मैंने 12% पे ही लिए, तो आपने क्या किया उस 10 लाख पे भी 2 लाख कमाए, पर 1,20 तो दे दिए तो 80 तो आपके फिर बचा ना, तो आपने टोटल कितने कमाए 2,80 और लगाए कितने थे 10 लाख, तो अब की बार रिटर्न 20 नहीं, अब की बार रिटर्न 28 हो गया। और अगर इसको उल्टा कर देते हैं अभी अपन कि 10 लाख मेरे लगे हुए हैं और 90 लाख जनता ने लगा दिए, तो रेशियो और बढ़ता जाता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग खुद की कैपिटल ना सिर्फ फ्री होती है, फ्री नहीं होती, महंगी होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। और जब एक सिस्टम रनिंग कर रहा है उस रनिंग में बाहर का जितना पैसा आता जाता है अपनी रिटर्न उतनी बढ़ती जाती है। क्लियर जी। अब एक आते हैं वेंडर की कॉस्ट। सर मुझे बताओ, अब मैं बोल रहा था ना हिडन इन्वेस्टर, छुपा हुआ इन्वेस्टर कौन है। सर वेंडर आपका छुपा हुआ इन्वेस्टर है। सोचो आप, आपने खुद की कंपनी में आपने पैसा लगाया, आपकी कंपनी के इन्वेस्टर आप हो, आप अपनी कंपनी में पैसा लगाते हो, आपने लगाया और आपकी कंपनी को जिसने लोन दिया, इज लाइसेंस कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म असेट इफ यस शुड वी यूज लॉन्ग टर्म कैपिटल टू अक्वायर इट। यस सर, लाइसेंस लॉन्ग टर्म असेट है अगर लाइफ टाइम है तो, और अगर लाइसेंस मान लो साल भर का है तो शॉर्ट टर्म असेट है। लाइसेंस पर डिपेंड करता है, जितना लंबा है तो लॉन्ग टर्म असेट है और लाइफ टाइम है तो लॉन्ग टर्म असेट है।
ठीक है साहब, ठीक है। अब आते हैं साहब, वेंडर है आपके हिडन इन्वेस्टर, क्योंकि देखो साहब आप खुद की कैपिटल लगाते हो तो खुद की जेब से पैसे लगाए साहब, बैंक से पैसा लेते हो तो वो लोग आपके बैंक में ट्रांसफर मारते हैं, दोस्त से पैसा लेते हो तो वो आपको चेक देते हैं। अब उन पैसे का करते क्या हो, उन पैसे से आप माल ही तो लेके आते हो, तो अगर वेंडर ने आपको सीधे कैश नहीं देके माल दे दिया तो हो तो गया ही वो इन्वेस्टर। वेंडर ने आपको पैसा नहीं दिया, माल दे दिया। वेंडर ने आपको पैसा नहीं दिया, सर्विस दे दी कि ठीक है अभी सर्विस तो अभी लो, पेमेंट 3 महीने बाद कर देना, तो भाई साहब वो हो तो गया इन्वेस्टर आपका। बस वो आपको नकदी नहीं दे रहा, वो आपको माल दे रहा है, इसको भी काम में लेना आना चाहिए साहब। तो लेकिन वो अपन को नकदी नहीं दे रहा, वो माल दे रहा है, तो वो छुपा हुआ इन्वेस्टर ही तो है। तो आपकी कंपनी में आप मान के चलो, जैसे अपन कहते हैं मेरी 50 लाख की कैपिटल है भैया, ये तो चुकानी नहीं, बाद में चुकाऊंगा, और ये 30 लाख का लोन है बाद में चुकाऊंगा, लेकिन वैसे 20 लाख के वेंडर है, तो वो भी आपको पता है ना भैया ये तो फंड ही तो है, बैलेंस शीट में ही तो है, देना तो ये भी है, लेकिन कॉन्स्टेंट है। आज 20 लाख बढ़े, 5 लाख चुकाऊंगा तो 5 लाख का नया ऑर्डर लिखा दूंगा, तो ये 20 तो कहीं देने ही नहीं है, ये 20 भी तो पड़े हैं मेरे पास, तो ये भी इन्वेस्टर है। पर क्या ये जीरो है, क्या ये भी फ्री है, क्या वेंडर फ्री है? चैट बॉक्स में बताओ भाई साहब, क्या वेंडर फ्री है? क्योंकि वेंडर आपसे पैसे तो नहीं लेता, 30 दिन का आपने 90 दिन का टाइम था, 90 दिन नहीं दिया, 90 दिन तो वैसे ही कुछ नहीं लेता, और 90 को आप 120 दिन या 180 दिन भी कर दोगे तो भी बेचारा कुछ नहीं लेता। लेकिन मैंने भाई साहब इसकी भी कॉस्टिंग है, क्योंकि जब आप किसी वेंडर को 90 दिन लटका रहे हो तो 100 रुपए का माल आपको दे रहा है, पर जब आप उससे 90 दिन की क्रेडिट ले रहे हो, आप कैश डिस्काउंट 1 से 1.5% का मिस कर रहे हो। उस व्यक्ति से अगर आप कहते हैं भैया 100 रुपए का माल उधार दे, वो 100 रुपए का माल आपको उधार दे रहा है ना, और आप कह रहे हो मैंने तो उसको 6 महीने बाद 100 का माल लिया और 100 ही दे दिए, मैं तो मजे आ गए, अपने तो पैसे ही नहीं लगे। प्रभु जी, उस समय जिस दिन 100 का माल लिया, इसको 90 दिन नहीं रोकते, कहते भैया 100 का पेमेंट अभी करता हूं नकद, बता क्या डिस्काउंट देता है? तो अगला आदमी कहता भाई साहब एक काम करो, नकद तो 98 दे दो। तो जो 2% की छूट ले सकते थे पर ली तो नहीं, वो इसकी कॉस्टिंग ही तो है। जो आपका इन्वेस्टर आपके पास कंटिन्यूअस बैठा हुआ है 25 लाख से, 30 लाख से, 35 लाख से, उस व्यक्ति को अगर आप नगद पेमेंट कर दो तो आपको सीधी सीधी 1%, 2%, 3% आपके ट्रेड के हिसाब से उतनी छूट तो है ही, तो वो छूट आप क्लेम नहीं कर रहे, वो भी तो आपका नुकसान है। तो क्योंकि वो छूट नहीं मिल रही तो वो कॉस्टिंग ही तो है। सो अब आपकी कॉस्टिंग जो पहले निकाली थी उसको रिपीट कर दें साहब, ये आपके पुराने अमाउंट थे। अब आपने बोला था कैपिटल मेरी फ्री है तो ये जीरो है, मैं कहता नहीं, कैपिटल आपकी सबसे महंगी है। अगर कोई आदमी बिना रिस्क के आपसे 12% ले रहा है ना, आपकी रिस्क ज्यादा है, आपका तो 24% होना चाहिए। तो ये 50 लाख रुपए लगाए हैं, इस पर आपको 24% रिटर्न यानी 12 रुपए कमाने हैं, और लोन पे वही 360 कमाने हैं। लेकिन क्रेडिटर ने भी भैया 1-1.5% की एवरेज छूट तो उससे भी आती है, एवरेज बैलेंस उसका 20 लाख बना हुआ है, हर महीने 1-1.5% का नुकसान हो रहा है, तो उसका भी 18% बनता है 20 लाख पे, तो वो भी 360 बनता है, तो टोटल आता है 19.20। तो जिस कैपिटल को आप बोल के चल रहे थे कि भाई साहब मुझे तो है ना, मुझे तो बस 3,60,000 का ही ब्याज चुकाना है, बाकी तो उसके ऊपर तो अपना ही अपना। प्रभु जी, आपको कम से कम 19 रुपए 20 पैसे कमाने हैं इस 100 रुपए से, तब जाके पैसा अपना ही अपना। क्लियर है साहब? आगे बढ़े, चैट बॉक्स में बताओ एक बार, क्लियर है क्या? चैट बॉक्स में मतलब बताना क्लियर है क्या भाई साहब? जिस कैपिटल को हम सोच रहे थे, अरे हमें तो 3 रुपए 60 पैसे ही देने हैं, 3 रुपए 60 पैसे का ब्याज चुकाओ और आन लो जीवन के। सर जी 19 जो कैपिटल आप काम में ले रहे हो, आपसे बैंक का पैसा ही थोड़ी काम में ले रहे हो, खुद का पैसा भी काम में ले रहे हो, क्रेडिटर का पैसा भी काम में ले रहे हो, खुद का पैसा कहीं और लगता है उसके भी जोड़ो, क्रेडिटर का पैसा कहीं और लगता भैया उसके भी जोड़ो, आपको कमाने हैं 19 रुपए 19.20। धरती किसकी? कि सर जी हमको तो लग रहा था 3.60 ही कमाने हैं, ये तो यार 19.20 कमाना है भाई साहब, ये तो आपने टास्क टफ कर दिया। नहीं सर, टफ नहीं किया, टफ अप करूंगा, टफ अप करूंगा, क्योंकि
क्योंकि इस पैसे का आप क्या करोगे, ये जो पैसा आपने लिया है प्रभु जी, ये जो आपने पैसा लिया है 19 लाख, ये 1 करोड़ रुपए पे जो आपकी 19-20 की रिटर्न आपको चाहिए, 19,20,000 का जो ब्याज है आपका, इस 1 करोड़ का करने के वाले हो पता है आपको, इस 1 करोड़ का यूज करोगे। यूज कहाँ करते हैं, दो ही जगह करते हैं, फिक्स असेट्स में और करंट असेट में। सबसे पहले आ जाते हैं साहब, आपको 19.20% की रिटर्न चाहिए जो भी आप असेट खरीदोगे उससे, तब जाके ही तो बिजनेस प्रॉफिट में आएगा है जी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या सारी असेट रिटर्न देती है? क्या सारी असेट रिटर्न देती है? नॉन परफॉर्मिंग असेट नहीं होती क्या? आपने अपनी कंपनी में 1 लाख का फर्नीचर लगवाया, सोफा लगवाया, कुर्सी लगाई, चेयर रखी, टेबल रखी, क्या रिटर्न दे रही है वो? कुछ भी तो नहीं। आपके पास एक मशीन है जो कि उसकी कैपेसिटी है कि भैया ये 1,000 पीस रोज बना सकती है, पर वो पीस तो भैया 500 ही बनाती है, ऑर्डर ही 500 का आता है तो बना ही 500 पीस रही है। तो क्योंकि वो जब लोन लिया था तो लोन तो 20 लाख रुपए का लिया है ना मशीनरी पे, पर मशीनरी तो 10 लाख वाली काम आ रही है। आपने जो पैसा लिया 19.20 पे, देखो आपने केडर का पैसा अटका रखा है, आपने लोन ले रखा है, आपने खुद की कैपिटल फंसा रखी है, उस पैसे से आपने इंफ्रा में लगाया, वो इंफ्रा आपको रिटर्न कहां दे रहा है अभी? तो वो आपको इंफ्रा रिटर्न तो दे ही नहीं रहा। तो टेक्निकली आपने मशीन पे लगाया 20 लाख रुपए है, पर आपको 20 लाख रुपए की मशीन से रिटर्न नहीं आएगी, 20 लाख की मशीन चली आधी रही है, तो आपको जो 20 लाख की रिटर्न है वो 10 लाख से निकालनी है। दूसरी बात, स्टॉक, क्या आपका, आप ये पैसा स्टॉक में लगाओगे तो क्या सारा स्टॉक रिटर्न दे रहा है क्या? कहीं तो स्टॉक खरीद बैठ जाता है, आपने इस पैसे से 20 लाख का स्टॉक खरीद लिया, वो बैठा हुआ है, जमा हुआ, वो तो हिल ही नहीं रहा, तो वो रिटर्न दे कहां रहा है? बहुत ज्यादा स्टॉक लेके बैठे हो, रिटर्न दे कहां रहा है? आपके एम्प्लॉय में आपने गार्ड रखा है, गार्ड कोई रिटर्न देता है क्या? अकाउंट्स वाला आदमी रिटर्न देता है क्या? एडमिन वाला आदमी रिटर्न देता है क्या? टेक्निकली हम क्या कहते हैं भैया, हमारे एक सेल्समैन को हम क्या बोलते हैं, भैया तेरी सैलरी 25,000 रुपए है पर तेरा टारगेट 2.5 लाख रुपए है, और आपकी कम, तो आपने अगर 25,000 रुपए की जिसको सैलरी देते हो उससे आप ऐसा क्यों बोलते हो? हम बोलते हैं ना कि 25,000 की सैलरी वाला आदमी कम से कम 1 लाख रुपए तो भैया कमा के देना ही चाहिए, तो 25,000 की सैलरी वाला आदमी 1 लाख कमा के क्यों देना चाहिए? क्योंकि उस भाई को ना सिर्फ खुद की सैलरी निकालनी है, उसको खुद के अलावा अकाउंटेंट की, गार्ड की, एडमिन की, इसकी उसकी, सबकी सैलरी निकालनी है। हमारे ऑफिस में दिखने को 10 एम्प्लॉई हैं, कमाते तो 4 ही हैं, तो उन 4 को कहते बेटा तू डबल कमा, ट्रिपल कमा, 4 गुना कमा, तब जाके इन 6 की सैलरी निकलेगी। ये काम तो 10ों का आवश्यक है, एक में इसमें से एक भी आदमी नहीं है जिसको फायर कर दे, सब जरूरी है, पर 5 आदमी जो कर रहे हैं उससे डायरेक्ट रिटर्न कछु नहीं आ रही, और 5 आदमी जो कर रहे हैं उससे डायरेक्ट रिटर्न आ रही है। तो उन 5 आदमी कहते हैं भाई देख तुझे तेरा भी पेट पालना है, तुझे इनका भी पेट पालना है, और तुझे जो मशीन नहीं चल रही उसका भी पेट पालना है, जो स्टॉक काम में नहीं आ रहा उसका भी पेट पालना है, जो फर्नीचर काम में रहा उसका भी पेट पालना है, तो भाई तू है ना 25,000 में 1 लाख कमा के दे। और अपन कहते हैं ना, अरे यार लोग बाग तो लालची होते हैं भाई साहब, लोग बाग कितने लालची हैं बताओ। कॉरपोरेट ऐसे कहता है कि सैलरी देता है हमको 1 लाख, और हमको वो कहते ना कि हमसे सैलरी देता है 50,000, और भैया हमारे काम के 5 लाख रुपए लगते हैं। अरे तेरे को 50,000 देख के तेरे काम से 5 लाख इसलिए लेते हैं क्योंकि 4.5 लाख में उसे उन सब का भी ध्यान रखना है जो काम नहीं कर रहे। आपकी फैक्ट्री, बोले यार फैक्ट्री में माल तो यार भाई साहब 20 रुपए का बनता है, और बेचता हमारे सेठ जी 50 रुपए पे। अरे 20 का माल सेठ जी 50 रुपए से बेचते हैं क्योंकि आधी फैक्ट्री नहीं भी तो चलती उसका क्या करेंगे, आधी फैक्ट्री नहीं भी तो चल रही उसका क्या करेंगे, आधे एम्प्लॉई कमा भी तो नहीं और उसका क्या करेंगे। तो जैसे कहते हैं ना, एक घर में, एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं और कमाने वाले सिर्फ 2 ही हैं, तो उन 2 पे 2 की जिम्मेदारी नहीं है, उन पे 10 की जिम्मेदारी है। क्लियर है साहब? तो सर जी हर बिजनेस में एनपीए है, बैंक में नहीं, आपके बिजनेस में भी नॉन परफॉर्मिंग असेट है, कुछ 10 एम्प्लॉय में से 5 डायरेक्ट नहीं कमा रहे तो बाकी 5 पे जिम्मेदारी है उनकी। आपकी मशीन में से आधी मशीन ही चल रही, आधी नहीं चल रही, तो उस आधी मशीन पे जिम्मेदारी इतना प्रोडक्शन करे कि पूरी मशीन का खर्चा निकले। क्लियर है सब? क्लियर है सब? यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो अगर मैं ये मान के चलता हूं कि भैया आपकी 50% असेट एनपीए है, आपका जो स्टॉक है 50% एनपीए, वो 50% स्टॉक नहीं कमा रहा, 50% एम्प्लॉई नहीं कमा रहे, 50% इन्वेस्टमेंट आपका नहीं कमाता, तो भाई साहब आपको फिर क्या करना है पता है आपको? आपको इस पैसे से उसको भी कमाना है, यानी अब
आपको डबल कमाना है, क्योंकि आप 19 रुपए 20 पैसे से जो असेट खरीदोगे वो सारी असेट तो कमा के देगी नहीं, उसमें से आधी कमा के देगी। तो भाई साहब उन आधी पे ही पूरी का दबाव है, तो वो आधी पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कमा के देना चाहिए डबल, यानी 38 रुपए 40 पैसे। मजा आ रहा है क्या? बिजनेस की शुरुआत जब हुई थी 15-20 मिनट पहले, 3,60,000 रुपए कमा के लग रहा था। यही तो ब्याज की कॉस्टिंग है, हम तो राजा बाबू हैं। अभी आपको लग रहा है कि नहीं भैया, 38-40 जितना पैसा लगाया है उस पे 38.40 नहीं कमाया तो काहे कमायो, फिर तो नुकसान ही है। क्योंकि अच्छा ऐसा है क्या कि मैं हवा में बात कर रहा हूं? ऐसा है क्या मैं थ्योरिटिकल बातें कर रहा हूं? क्या ये एक्चुअल नहीं है जो मैंने अभी तक बोला? क्या ये एक्चुअल नहीं था? क्या हमारी कैपिटल की कोई कॉस्ट नहीं है? क्या हमारे क्रेडिटर की कोई कॉस्ट नहीं है? क्या हमारी सारी एसेट कमा के देती है ना लोग बाग? तो भाई साहब कमाना तो 38.40 पड़ेगा। और अभी अगर जो किसी को झटका लगा हो, पैर के नीचे से जमीन खिसकी हो, तो थोड़ी सी देर रुक जाओ, एक स्टेप और जाना है आगे। वो ये कह रहा है कि क्या ये जो असेट हमने खरीदी, क्या ये 365 दिन चलेगी? क्योंकि हमारी लायबिलिटी तो 365 दिन ही चलेगी। ये मशीन का लोन 365 दिन चुकाना है, पर ये मशीन आधी दुकान करती है और वो भी 300 दिन ही काम करती है। ये मशीन संडे संडे 52 संडे बंद रहती है, 14 होली त्यौहार बंद रहती है। तो ये तो भैया ये तो बंद 300 दिन काम करती है और आधी काम करती है। और इसके माथे जिम्मेदारी किसकी है? इसके माथे पूरी फैक्ट्री की जिम्मेदारी है, जो कि 365 दिन ये लायबिलिटी लेके बैठी है। तो इस फैक्ट्री को कितना रिटर्न कमाना पड़ेगा? तो मैं उस कैलकुलेशन में नहीं जाता, मैंने राउंड फिगर में इस 38.40 को कह दिया कि क्योंकि सारी प्रोडक्टिव एसेट हर समय भी काम नहीं करती, तो मैं इसको राउंड फिगर में 45 लेके आ गया कि भैया आपने जितना पैसा फंसा रखा है बिजनेस में टोटल कैपिटल, 45% रिटर्न आएगा तब जाके भैया करोगे। ये मैंने एग्जाम्पल दिया ना, आपकी कॉस्टिंग डिफरेंट हो सकती है, आपका कहाँ कहाँ पे डिफरेंट आ सकता है। हो सकता है आपकी कैपिटल आगे पीछे हो सकती है, लोन की रेट ऊपर नीचे हो सकती है, क्रेडिटर की रेटिंग ऊपर नीचे हो सकती है। ये आपके हिसाब से, खुद अपने बिजनेस के हिसाब से है, ये 45 नॉर्मल है, पर आएगी इसी रेंज में। किसी की हो सकता है 70-80 आ जाए, किसी की हो सकता है 30-35 आ जाए, पर लगभग यही रहने वाली है। क्लियर है साहब? तो आपको अपनी रेट कैपिटल पे इतना पैसा कमाओगे तभी तो निकलोगे। कोई क्वेश्चन आ रहा दिमाग में? कोई क्वेश्चन आ रहा दिमाग में? क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी दे दूंगा। पहले ही कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में कि सर 45% की रिटर्न कैसे कमाएंगे सर? कोई क्वेश्चन आ रहा दिमाग में? एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर मेरी बात सुनो, मेरी इंडस्ट्री में मार्जिन ही 5-10% का है, मैं कैसे 45 कमाऊं यार? मैं कोई टाटा बिरला अंबानी थोड़ी हूं भाई साहब, मैं कोई लग्जरी पर्स थोड़ी बेच रहा हूं, मैं लिवाइस की जीन्स थोड़ी बेच रहा हूँ, मैं कोई ऐसा सेगमेंट थोड़ी बेच रहा हूँ कि 2 रुपए की सिगरेट बन रही है 20 रुपए में बिक रही है। मैं कोई 5 रुपए की दवाई 500 रुपए में थोड़ी बेच रहा हूँ भाई साहब, 500 रुपए की 50 की दवाई 500 में थोड़ी बेच रहा हूँ भाई साहब। मेरे इस इंडस्ट्री में इतना मार्जिन कैसे आएगा? मेरे तो मार्जिन है ही 5-10% का। हेमंत जी पूछ रहे हैं अब क्या करना है। मैं कह रहा हूँ सर एक बात बताओ, आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि राहुल मल्होत्रा ने प्रॉब्लम बताई और चला गया? राहुल मालदिया प्रॉब्लम के हाथ ही तब लगाता है जब सॉल्यूशन होता है। क्लियर है सर? तो हमारी इंडस्ट्री में तो मार्जिन ही 5-10% है, मैं 45 कैसे कमा लूंगा? क्या मैं 45 कमा सकता हूं? यस जी हाँ, आप कमा सकते हैं, इनफैक्ट आप कमा रहे हैं, आप 45 ही कमा रहे हैं। देखने की दृष्टि दूसरी है, दृष्टि लेके आते हैं साहब। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एनुअल, और प्रॉफिट आता है हर साइकिल में। इसका मतलब क्या हुआ एनुअल और साइकिल, अभी समझाते हैं साहब। पहली बात, आपने अगर 100 रुपए कमा, मेरा एग्जाम्पल ये बोलता है कि अगर आपके धंधे में 100 रुपए इन्वेस्टेड है, कुछ आपका कुछ बैंक का कुछ क्रेडिटर का, एनी टाइम आपके धंधे में अगर 100 रुपए इन्वेस्टेड है तो आपको 45 रुपए कमाने हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, आपके धंधे में अगर 100 रुपए एनी टाइम इन्वेस्टेड है तो आपको 45 रुपए कमाने हैं, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। तो वो कमाने के लिए, क्योंकि ये तो एक ही बार है ना, 100 रुपए लगाए साल भर के 45 दे जा भाई साहब, यही तो है। लेकिन ये 45 कैसे आएगा? क्योंकि हमारा प्रॉफिट हर साइकिल में आता है। आपने 100 रुपए का माल खरीदा,
और 110 में बेच दिया और एक महीने मतलब आपने 100 रुपए का माल अभी खरीदा और एक महीने के अंदर अंदर आपने माल बिक गया और पेमेंट जेब में आ गया, तो एक महीने के अंदर आपका 10 रुपए प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? आप माल खरीदते हो और 12 माल खरीदा, 30 दिन में उसको माल को बेच दिया, 10 रुपए कमा लिए। यानी एक साइकिल हुआ आपका, माल खरीदा और बेचा, 10 रुपए कमा लिए। लेकिन दूसरे महीने क्या करोगे? फिर खरीदोगे, फिर बेचोगे, फिर खरीदोगे, फिर बेचोगे। तो जब आप इसको 12 बार घुमाओगे, तो भाई साहब आपने 12 बार घुमाया तो 120 रुपए कमा लिए ना, आ गए प्रॉफिट में। क्योंकि ये 45 रुपए तो एक बार कमाना ना भैया, 100 रुपए लगे हुए, 45 मुझे साल भर में दे दे। अब तू कैसे देता है मुझे नहीं पता। तो एक अभी माल 100 रुपए का खरीद और एक साल बाद 160 का बेच दे, मेरे 60 रुपए आ गए। या तो 100 रुपए का माल खरीद, 106 में बेच दे, पर 6 रुपए को 10 बार बेच दे, तुम्हें प्रॉफिट में आ गया। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, हमको ये कमाने के लिए देखना है कि हमारा मार्जिन है क्या, हमारा मार्जिन है क्या और हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है क्या। क्योंकि हमारा मार्जिन और कितने साइकिल है वो उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर आ गया तो मजे आ गए ना यार। हमारा मार्जिन 5% ही है पर 12 बार घूमता है, तो 60 रुपए कमा लेंगे, 4500 ऊपर है, जय माता दी बच गए हम, तो मजे आ गए हमको। और वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है भाई साहब, माल खरीदने तक से लेके बेचने तक और बेचने से बात खत्म नहीं होती, खरीदने से लेके बेचने तक और बेचने से लेके पैसा आने तक का जो सर्किल है वो वर्किंग कैपिटल साइकिल है। ये जितनी बार घूम जाएगा उतनी बार आप कमा लोगे। अब ये कैसे होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगा के देखना। आपने परचेस खरीदा आज, जीरो डे जीरो आज परचेस किया आपने, 30 दिन माल बेचने में 30 दिन लग गए, जो आप माल खरीदते हो 30 दिन लग जाते हैं आपको बेचने में, और बेचने के 30 दिन आ जाते हैं पेमेंट लगने में। यानी आप 60 दिन का आपका साइकिल है, 60 दिन का साइकिल है, तो भैया टोटल देश 360 दिन है एक साल में, तो 6 साइकिल है, तो आपका मार्जिन 10% भी था तो आपने 60% कमा लिया, 45 देना था 60 कमा लिया, जय माता दी। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या, अच्छा अगर यहीं पे आपका मार्जिन, अगर आप 15 दिन में ही माल बेच दो खटाक और 15 दिन में ही पैसे आ जाए, तो साइकिल 30 दिन का ही हो जाए, यानी रोटेशन 12 लग जाए, तो 12 रोटेशन में अगर 10% कमा रहे हो तो भैया 120 कमा लो। सो कुल मिला के ये जो अपन डिसीजन लेते हैं ना कि सर जी, अब आप यहाँ पे एटीपी डिसीजन ले सकते हो कि राहुल जी आप मुझे बताओ, अगर मैं 100 रुपए का माल खरीदूं और एक हफ्ते के अंदर ही 101 में बेच दूं और नकद पैसा ले लूं, तो मैं कहूंगा सर 1 रुपए का ले लिया तो आपका 1 रुपए मार्जिन है, पर हफ्ते हफ्ते में माल निपटा देते हो ना, तो 52 बार घुमा दिया आपने सर, 52% मार्जिन है आपका। अब दुनिया कहेगी ये तो पागल है, 1% मार्जिन पे काम कर रहा है। मैं कहूंगा मार्जिन तो देखो इसका, पर साइकिल भी तो देखो, 52 घुमा दिए ना। तो आप अगर कहते हो कि नहीं सर मेरा मार्जिन 20% है, मेरा मार्जिन 20% है, पर मेरा माल तो भैया माल बिकते और पेमेंट आते 6 महीने लग जाते, तो भाई साहब फिर तो आपने 20% के 2 सर्किल मारे, 40 मारे, आपसे बढ़िया ये है तो 1% मार्जिन पे 52 सर्किल घुमा गया। तो इसलिए कहते हैं छोटे धंधे जो भी होते हैं ना, चाय वाला, पोए वाला क्यों राजी है, पोए वाला सुबह 10,000 रुपए की कैपिटल लगाता है लेकिन शाम तक वो माल बेच के 10-11 हजार की माल बेच लेता है, 10% मार्जिन है, 10% ही मार्जिन है, लेकिन उसका साइकिल घूमते 365, तो उसका मुनाफा है 3,650% इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न। कितना कमाता है वो, 10,000 रुपए लगा के 36,50,000 का टर्नओवर कर लेता है और 10,000 रुपए लगा के 3,65,000 कमा के निकल जाता है। उसकी कैपिटल की रिटर्न देख लो कितनी है, 3,650% रिटर्न है पोए वाले की। चाय वाला क्या करता है, सुबह दूध लाता है, शाम तक दोपहर तक बेच देता है, उसी पैसे से फिर दूध ले आता है, उसकी रिटर्न है 7,300%। चाय वाले की जो कैपिटल लगी है 7,300% कमाता है वो। तो ये आपको देखना है, ये आपको देखना है कि भैया आपको पहले कैपिटल निकाल के देखना है कि भैया मैं, मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल है। इसलिए आप नोटिस करना, बड़ी बड़ी कंपनियां कहती है भाई तो डिस्काउंट, तू मुझे है ना 10% का माल है, मैं भाई साहब 5% डिस्काउंट देने को तैयार हूं, माल तुरंत पटक, पैसा तुरंत पटक। क्यों? उनको करने साइकिल छोटे। हर बड़ी कंपनी कहती है भैया तो माल तुरंत पटक, क्योंकि उनको करने साइकिल छोटे। मार्जिन चाहे 10% ही हो, 12 बार घूम गया तो 120 होता है, और मार्जिन आपका 50% ही हो पर साल में एक बार भी नहीं घूम रहा, आप माल लेके आए 100 रुपए का, 1 लाख का झूमर लिया है, बोले 1.5 लाख में बेचूंगा, पर साल भर तक बिका ही नहीं, साल के लास्ट में बिका, तो 50% मार्जिन है उसे 1 लाख पे,
लेकिन अगर आप मान लो कि वो झूमर आप ऐसा लाते कि ये झूमर 1 लाख का है भैया, मैं 1,11,000 में देता हूँ, और रोज महीने का एक झूमर बिक जाता, तो महीने का एक झूमर बिक जाता तो साल के भाई साहब 1,32,000 निकाल लेते। तो पॉइंट क्या है कि ये आपको चूज करना है कि मैं जिस इंडस्ट्री में बैठा हूँ, आपका अगर आपका रोटेशन बढ़ाने के लिए मार्जिन भी कम करना पड़े, कैलकुलेशन देख लो इस मार्जिन पे क्या रोटेशन चाहिए, इस मार्जिन पे क्या रोटेशन चाहिए। आई होप काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सर जी? जहां तक क्लियर आ गया भाई साहब कि आप अगर जस्ट दिमाग लगा के सोचो, आप बताओ क्यों आप में से कई लोग प्रॉफिट में हैं, कई लोग नुकसान में हैं, कई लोगों को पता ही नहीं है। एक सेकेंड, आप में से कई लोग प्रॉफिट में हैं, कई लोग नुकसान में हैं, कई लोगों को पता ही नहीं है। वो ऐसे चल रहा है क्योंकि देखो ग्रेविटी का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत सब पे लगते हैं, चाहे उसको पता हो चाहे नहीं पता हो। आपको पता है यहाँ पे हमारे बैठे हैं हेमंत अग्रवाल जी, दिख रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में। हेमंत अग्रवाल जी कहते हैं भैया मैं गुरुत्वाकर्षण का मैंने फिजिक्स कभी पढ़ी नहीं, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, अखबार वगैरह भी नहीं पढ़ा, मैं गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं जानता, या गुरुत्वाकर्षण का नियम जानता तो हूं मैं मानता नहीं हूं। मैं कहता हूं सब फालतू की बातें हैं भाई, गुरुत्वाकर्षण का नियम थोड़ी होता है। तो इसका मतलब हेमंत जी अगर अभी 10वें फ्लोर पे चढ़ के छत से कूदेंगे, बोलेंगे भाई गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, मैं तो मानता ही नहीं इस नियम को, तो एक कूदेंगे तो एक गिरेंगे या हवा में रह जाएंगे भाई। एक गुरुत्वाकर्षण का नियम मानता है आदमी तो वो कूदेगा, उसको लगता है मैं कूदूंगा तो भाई गिर जाऊंगा। एक आदमी कहता है कि भाई मैं जानता ही नहीं गुरुत्वाकर्षण क्या है, और जानता हूं पर मैं मानता नहीं, तो क्या वो कूदेगा तो बच जाएगा, हवा में रह जाएगा या गिर जाएगा? पॉइंट क्या है कि आप इस नियम को जानो चाहे मत जानो, इस चीज को समझो या ना समझो, आप पे एप्लीकेबल तो है। जिन लोगों ने जाने और अनजाने में अपने साइकिल बढ़ा लिए या अपना मार्जिन और साइकिल इस तरह से मैनेज किया कि इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर है, तो ये नेक्स्ट लेवल पे खेल जाएंगे। अगर आपने से जो सक्सेसफुल लोग हैं, आपने जाने और अनजाने, आपको पता नहीं है कि मेरा क्या तो मार्जिन है और कितने साइकिल है और क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बट वो अनजाने में आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपकी बैलेंस शीट लेके बैठूंगा ना तो मैं बोलूंगा सर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है 48, आप साल में रोटेशन करते हो 96 का, इसलिए आप कमा रहे हो जी, इसलिए आप कमा रहे हो जी। और कोई व्यक्ति जो नहीं कमा रहा, मैं बोलूंगा सर आपकी कैपिटल आ रही है 36, आपका रोटेशन ही आता है 24 का, इसलिए 12 रुपए के गड्ढे में हर साल जा रहे हो जी, आप ऐसे जाओगे। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपको ये नियम आता हो चाहे नहीं आता, एप्लीकेबल तो आप पे है। अगर आप बोलोगे मुझे तो ध्यान नहीं था फिर भी मैं कमा रहा हूं, सर ये इनडायरेक्टली आप पे चल रहा है और आपको पता नहीं, तो हो सकता है आज प्लस में कल माइनस में हो जाए, और जिस दिन आपको पता पड़ेगा आप आज हो सकता है माइनस में हो, समझ में जैसे ही सिस्टम समझ में आए आप प्लस में हो जाओ, तो यू मस्ट लर्न दैट। क्लियर है सर? क्लियर है जी? एग्रीड है? सही जा रहे हैं? आपकी संडे की क्लास थोड़ी आपकी सुबह सुबह सैटरडे की सुबह वसूल करवा दी क्या, लग गया क्या कि भाई साहब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लग रहा है क्या भाई साहब कि ठीक ठाक थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पकड़ पा रहे हैं क्या अपन चीजों को कि फाइनेंशियली अपन कहां अटक रहे थे, हमें रोटेशन ही नहीं पता यार। आप बताओ वर्किंग कैपिटल साइकिल, बताओ क्या है वर्किंग कैपिटल साइकिल, समझाओ पहले तो क्या है वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालना पड़ेगा। सो इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं, सर हेमंत जी आप टेंशन मत लो, आप कूदोगे तो आपको वैसे संतोष जी भी पकड़ लेंगे, और अब की बार तो 20 जनवरी से हम पकड़ने के लिए आपको तैयार खड़े, तो जितने भी लोग बूट कैंप का पार्ट हैं उनका भी मैं बैठ के वर्किंग, जब अकाउंट्स की क्लास अपनी लगेगी 3rd मंथ में, मैं सबसे पहले आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल ही निकालने वाला हूँ, कि आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, आपका मार्जिन क्या है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये पूरा निकाल के देने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। तो भैया आपने सीधी सी कैलकुलेशन है सर, अब मुझे बताओ अब अमीर आदमी पैसा क्यों लगाता है दूसरों का? अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताओ। देखिए अब मैं नहीं बता रहा, अब आप बताओ कि अमीर आदमी दूसरों का पैसा क्यों काम में ले रहा है जब खुद के पास इतना सारा हो गया तो भी, जब खुद के पास इतना सारा है भी तो भी दूसरों का पैसा क्यों काम में ले रहा है? अब बताइए सर, अब बताइए, ये मैं नहीं बता रहा, अब आप बताओगे। सचिन जी कह रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री कैलकुलेशन कैसे करें? सर 100% कैलकुलेशन सेम ही होती है सर। आप मान के चलो कि मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रेडिंग में 10 कंपोनेंट होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में 6-7 होते हैं। आपके केस में स्टॉक नहीं होता, बट डेटर की कॉस्टिंग तो ही ना। सर आप बताओ, आप पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आ जाते हैं सर्विस इंडस्ट्री के, तो सर्विस इंडस्ट्री में आपने खुद की कैपिटल लगाई रखी है तो कैपिटल है ही।
आपने सर्विस इंडस्ट्री पे माल नहीं ले रखा, पर कुछ सर्विसेज का पेमेंट आपका आउटस्टैंडिंग है ही, तो आपने कुछ माल भी ले रखा होगा, कुछ सर्विस का पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, वो आपके क्रेडिटर हैं। आपने बैंक से लोन ले रखा है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो तीनों कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपोनेंट जैसा ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, इसमें भी लगते हैं साहब, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या आपके नहीं होती है? आपके यहाँ मशीनरी नहीं होती, पर आपके यहाँ जितने एम्प्लॉई हैं उसमें से आधे काम कर रहे हैं और आधे नहीं कर रहे, आधे रिटर्न जनरेट करते हैं आधे नहीं करते, वो नॉन परफॉर्मिंग असेट है। आपने अपने फर्नीचर ऑफिस फिक्स एक्सपेंस में लगा रखा है, उसका भी फर्क तो पड़ता ही है भाई साहब, ठीक है जी। तो आप पे भी सेम अप्लीकेबल है, कोई वो तो दिमाग लगाने वाली बात है सर। सर्विस वाले मैंने बता दिया ना सर, सर्विस वाले पे एग्जैक्टली सेम लगता है। परसेंटेज कैसे तय करें, अगेन ये कैलकुलेशन निकाल के पता पड़ेगा आपको क्या परसेंटेज रखना चाहिए। हेमंत अग्रवाल जी कहते हैं दूसरों का पैसा सस्ता होता भैया इसलिए लेते हैं, परफेक्ट, कि भैया दूसरों का पैसा अमीर आदमी अंबानी जी इसलिए लेते हैं, कहते हैं भाई सस्ता है, मेरा पैसा तो भैया महंगा है, क्यों रिस्क लूंगा, दूसरे का पैसा लूंगा सस्ता है। दूसरी चीज क्या, टैक्स का बेनिफिट है, जैसे रिटर्न कमाऊंगा वो तो सारे पे टैक्स लेने आ जाएगी गवर्नमेंट, पर अगर वही पैसा ब्याज पे लिया होगा तो पहले से उसमें से ब्याज काट लूंगा, तो भैया मेरे तो टैक्स का बेनिफिट भी होता है। तीसरा बेनिफिट क्या, हमने तो कैलकुलेशन करके देख ली कि जितना ज्यादा दूसरों का पैसा काम में लिया जाता है उतना ज्यादा खुद के पैसे पे आरओआई आ जाती है साहब। तीसरा है कि भैया अगर आपके पास एक ऐसी मशीन बिल्ड होगी जिसमें आप आलू डालते और सोना निकलता है, तो आप आलू उधार लेने में आपको किस बात की शर्म है। अगर मैं आपको कहता हूं, अगर हेमंत जी कहते हैं कि मेरा भैया एक रिक्लाइनर 1 लाख का आता है, राहुल जी मैं एक, मेरे पास 10 लाख की कैपिटल है, मैं 10 लाख के 10 रिक्लाइनर लेके आता हूं चाइना से, या चाइना से अब नहीं लाता, चाइना बायकॉट कर दिया मैंने, अब मैं ताइवान से लेके आता हूं, तो ताइवान से मैं 10 लाख के 10 रिक्लाइनर लेके आता हूं और 1 महीने के अंदर अंदर वो 11 लाख में बिक जाता है, तो 10 लाख लगाता हूं, 11 लाख कमाता हूं, 10% की रिटर्न आती है मेरी कैपिटल पे, ठीक है। अब मेरे पास क्या गया, 10 लाख थे, 10 लाख से 1 लाख महीने कमा रहा था, मैंने कहा पैसा थोड़ा और कमाया जाए, तो मैंने मेरे दोस्त को बोला भाई उधार देता गया, तो मेरे दोस्त ने उधार दिया मुझे 1% पे और 1% पे उधार दे दिया, तो क्या अगर उससे 10 लाख रुपये और लिया है, अब उसके 10 लाख रुपये से क्या करता हूँ, 10 लाख 20 लाख हो गए, 20 रिक्लाइनर आते हैं, 2 लाख कमाता हूँ, उस 2 लाख में से उसको तो देना क्या है, 10,000 रुपये तो देना है, वो 10,000 रुपये लेके चला जाता है, मेरे घर में बचते हैं 1,90,000। तो पहले मैं मेरे 10 लाख कमा के कितने कमा रहा था, मैं 1 लाख कमा रहा था, अब मैं मेरे 10 लाख से कितना कमा रहा हूँ, 1,90,000, मेरी तो इक्विटी बढ़ गई, 1,90 बढ़ गई। तो जब भाई साहब मेरे इस दोस्त से पैसे लेने से मेरी इक्विटी बढ़ गई, मेरी कमाई बढ़ गई, तो मैं दूसरे दोस्त से भी ले लेता हूँ, मैं तो तीसरे से भी ले लेता हूँ, मैं बैंक से भी ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक ऐसा चैनल सेट हो चुका है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है जहां पे मुझे पता है कितने रुपए से कितनी रिटर्न लग रही है, चीजें मेरे कंट्रोल में है, तो भैया मैं लेऊंगा और लगाऊंगा, क्या दिक्कत है। राहुल मलोदिया ने कहा भैया मैं 1 लाख का एड जब फेसबुक पे चलाता हूं तो 1,05,000 रुपए मेरे को मिल जाते हैं, तो अब मैं कहता हूं कि 1 लाख लगाया था, आज मैंने 2 लाख लगा दिए तो मैंने 10,000 कमा दिए, और राहुल मलोदिया ने 10 लाख लगा दिए तो 50,000 कमा लिए, पर राहुल मलोदिया को तो पेट ही नहीं भर रहा, तो राहुल मलोदिया कह रहा है 10 लाख ही लगाऊंगा और कितने लगाऊं। हर पैसा पैसे की लिमिट आ जाती है, 10 लाख आ जाएगी, 20 लाख हो सकता है, मेरी लिमिट 10 करोड़ पे आ जाए कि 10 करोड़ महीना लगा सकता हूँ भैया, लेकिन 10 करोड़ महीना लगा के जब मैं 50 लाख कमा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ 50 लाख ही क्यों कमाने, अरे हेमंत जी 10 करोड़ आप भी दे दो, अरे नीले जी 10 करोड़ आप भी दे दो, अरे यार प्रदीप पांडे जी आप भी दे दो, क्यों, मुझे जब पता है कि मेरा धंधा मुझे सेट हो गया, यहाँ पे मुझे रोटेशन समझ में आ गया, तो दुनिया का पैसा लेने में क्या दिक्कत है। और जब दुनिया को दिखता है सर, बैंक भी तो यही देखती है, बैंक आपकी बैलेंस शीट देखती है, छोरे का काम सही है भैया, इतने इसने पैसे लगा रखे हैं, इतना इसका रिटर्न है, ये इसका रोटेशन है, ये तो जबरदस्त कमा रहा है, इस आदमी को तो भैया पैसा आंख बंद करके कोई दिक्कत ही नहीं है। बैंक बैलेंस शीट देखती है, रोटेशन रेशियो मैच करती है, दे पैसा। इन्वेस्टर कहता हाँ यार भैया धंधे में तो दम है इनके, हेमंत अग्रवाल जी के धंधे में दम है भैया, रिक्लाइनर में मार्जिन आ रहा है तगड़ा, डाल भाई 2 करोड़ रुपए ले लो हेमंत जी, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। बैंकर कहेगा भैया लोन ले लो, क्या दिक्कत है। वेंडर बोलेगा अरे भाई साहब पेमेंट आराम से देते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो खींचो। जब आपके धंधे में दिखता है तो पूरी दुनिया लगाती है, और जब आपको पता है कि जितना दुनिया लगा, भाई दुनिया मेरे बिजनेस में मार्जिन आ रहा है 30%, दुनिया लगा रही 12% पे, 18 तो मेरी जेब में बच रहा है ना, तो मैं कमाऊंगा, तो मैंने जो 10 रुपए लगाए उस पर 30 रुपए मेरी जेब में, और बाकी से पैसा लेके 12 पे लिया तो 18 जेब में, 18 पे लिया तो 12 जेब में, 20 में लिया तो 30 में जेब में, तो दुनिया से जितना पैसा ले रहा हूं कमाई तो रहा हूं, तो क्यों रुकूं, ठीक है जी।
अब आते हैं अपन आगे बात करते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर सर बहुत सारे आ रहे हैं, बट मैं फ्लो नहीं तोड़ना चाहता, एक बार फ्लो फ्लो में आगे बढ़ जाते फिर अपन बात करते हैं। रूल टू, ये पहले रूल पे बात हो रही थी अभी तक। पहला रूल क्या कह रहा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा मत लगा देना। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 45 आ रही है, आपका मार्जिन 10% है, पर रोटेशन ही 4 घूमते हैं साल में, कुछ पैसा अपना बेचने में डिले हो गया, कुछ पैसा आने में डिले हो गया, और सर्किल 90 दिन का हो गया, तो आप साल के 40% ही कमा रहे हो, पर कमाने चाहिए थे 45, तो 5% का लॉस है, वो धीरे धीरे आपको खाएगा अंदर ही अंदर। और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कितना ही लोन लो कम पड़ेगा, क्योंकि वो 5% तो वहां पे बैठा ही है ना गड्ढा करके, और जितना लोन लोगे वो 5% बढ़ेगा। क्लियर है जी, यहां तक क्लियर है? अभी सर प्लीज एक बार चैट बॉक्स में ना क्वेश्चन मत बताना, ताकि क्वेश्चन आप पूछोगे तो फिर मेरा फ्लो टूटता है, मैं इसके बाद क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। तो अब पहली बात क्या है कि भैया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल को लॉन्ग टर्म फंड के लिए काम मत लेना, मर जाओगे। कैसे बात कर दें, तीन टाइप की बैलेंस शीट होती है। टाइप वन, पहली बैलेंस शीट ये बोलती है, देख सीधी सी बात है, 40 लाख के मेरे पास कैपिटल और लोन, लंबा लोन और कैपिटल 40 लाख की थी, और छोटा लोन सीसी लिमिट और लोगों के पैसे 10 लाख के रोक रखे थे। उसका पैसा मैंने क्या किया, मशीनरी फर्नीचर लगा दिए 40 लाख के, और 10 लाख की स्टॉक डेटर्स अटका दिया। इस बैलेंस शीट में मेरा ज़्यादा हेडेक नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे लॉन्ग टर्म जो यूजर्स थे वो लॉन्ग टर्म सोर्स से आए, मैंने मशीन ली पर खुद के, या तो खुद के पैसे लगा के लिए, या लंबा लोन लिया है मशीनरी पे, तो मशीनरी वाला मेरा द्वार खटखटाएगा नहीं, मेरा पैसा है, मेरे को टेंशन ही नहीं है। दूसरी बात, बैंक से लोन लिया 10 लाख का, 10 साल के लिए लोन लिया है, 10 साल में तो मेरी मशीन कमा के दे ही देगी, तो मेरे टेंशन नहीं है। मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म पैसे से किया है, बात ही खत्म। और शॉर्ट टर्म कैपिटल मैंने किया है, मेरे पास भैया लायबिलिटी खड़ी है 10 लाख, 5 लाख की सीसी पड़ी है, 5 लाख के मांगने वाले द्वार पे खड़े हैं, तो क्या टेंशन है? मेरे पास 2 लाख कैश पड़ा है, 4 लाख में भी मार्केट से मांगता हूँ, 4 लाख का माल पड़ा है, तो ये माल बेच दूंगा, ग्राहक से रिकवरी कर लूंगा, कैश तो पड़ा ही है, दे दूंगा भाई साहब, क्या दिक्कत है? तो इसके बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं है। काहे बात की ट्रबल भाई, लंबा इन्वेस्टमेंट लंबे पैसे से कर रखा है, तो मशीन तो भैया 10 साल बाद में तो रिटर्न दे ही देगी, मेरे पास लोन था ही, खुद की कैपिटल थी, कोई टेंशन नहीं है। और कोई मांगने वाला आएगा तो मेरे पास देने को भी तो पैसा पड़ा है, अपन डरते ही नहीं है, अपने कोई टेंशन नहीं, अपन मस्ती में जी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं जीवन के। दूसरी बैलेंस शीट की आती है, जहां पे भैया लॉन्ग टर्म सोर्स लिया 45 लाख है, लॉन्ग टर्म में 40 ही लगाया, और शॉर्ट टर्म 5 लाख ही ये लगाया। तो इसने क्या किया कि लॉन्ग टर्म असेट को तो लॉन्ग टर्म से किया ही है इसने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म पैसा लगा दिया, खुद के कैपिटल से स्टॉक खरीद लिया साहब, खुद की कैपिटल से स्टॉक खरीद लिया, तो क्या हो गया, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आज की रेट में मेरे मांगने वाले गेट पे 5 लाख की खड़े हैं, और मैं 10 लाख रुपए एनी टाइम इकट्ठे कर सकता हूं, तो मेरे बिल्कुल ही टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने मेरे लॉन्ग टर्म सोर्स को लॉन्ग टर्म में लेना चाहिए था, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म में लेना चाहिए था, पर क्या हुआ, मैंने अगर लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म में ले लिया तो ये मांगने आ जाएगा तो भी क्या है, मेरे पास तो पैसा पड़ा ही है, कोई टेंशन नहीं है। वहां थोड़ी सी टेंशन थी कि एकदम से 10 मांगने आ गया और एकदम से 10 रियलाइज नहीं हूं, हो सकता है ना भाई सब कि वो एकदम से क्रेडिटर तो 10 लाख मांगने आ गया पर मेरा माल ही नहीं बिक रहा, तो मेरे थोड़ी सी टाइटनेस हो सकती है, पर डर नहीं है, माल तो पड़ा ही है ना 10 लाख का, आज नहीं कल बिक जाएगा, टेंशन है पर वो टेंशन तगड़ी वाली नहीं है। इसमें तो टेंशन ही नहीं है, मांगने वाले 5 खड़े पर मेरे पास पड़े 10 से कभी भी दे दूंगा, टेंशन ही मतलब मस्त रहे। आदमी नुकसान कहां करता है, ऐसी तैसी कहां होती है मेरे भाई की, लंका कहां लगती है कि 35 लाख आपने क्या किया था कि भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल और वो तो मेरे पास 35 ही थी पर इन्वेस्टमेंट कर दिया 40 का, तो वो कैसे किया होगा भाई साहब? उस 40 के लिए इसने शॉर्ट टर्म भी काम में ले ली भाई साहब, इसने क्या किया, बैंक से सीसी लिमिट लेके मशीन ले ली, सीसी लिमिट से मशीन ले ली साहब, या फिर भाई साहब वेंडर का पेमेंट 90 लाख, वेंडर का 20 लाख का पेमेंट करना था, वेंडर को बोला देखो अगले महीने करेंगे, और उस 20 लाख से भैया मशीन ले ली, और मशीन तो रिटर्न बाद में देगी, वेंडर तो अगले महीने ही आ जाएगा। अब वेंडर मांगने वाले मेरे घर पे 15 खड़े हैं और देने को मेरे पास 10 ही हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो भैया हाथ जोड़ने पड़ेंगे या फिर मुझे मेरी लॉन्ग टर्म असेट बेच के इसको देना पड़ेगा। ये सबसे तगड़ी स्थिति हो गई कि भैया देने वाले शॉर्ट टर्म में जो छोटे समय थे जिनको महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने में पेमेंट करना था, उनका पैसा लेके मैंने ऐसी जगह डाल दिया जो लंबी है। आदमी क्या करता है, भीच के थोड़ा पैसा इसका रोका, थोड़ा पैसा इसका रोके, प्रॉपर्टी ले ली। अब प्रॉपर्टी अगर सही टाइम पे रिटर्न दे देती है तो ठीक है, नहीं तो पता चलता है वो प्रॉपर्टी बेच के रिटर्न देना पड़ता है।
तो शॉर्ट टाइम पे अगर अगर आपने शॉर्ट टाइम का पैसा लंबे टाइम में लगा दिया तो लगेगी लंका। ठीक है सब, क्लियर है यहां तक? डाउट यहां तक क्लियर है कि भैया कभी भी आप छोटे समय का पैसा लंबे समय में नहीं लगाओगे। अगर लंबे समय में लगा दिया वहां से रिटर्न आएगी नहीं, ये द्वार पे खड़ा हो जाएगा, तो क्रेडिबिलिटी इशू, लिक्विडिटी इशू, सारे इशू एक साथ आ जाएंगे। ठीक है सर, क्लियर है? अपन आगे बढ़ते हैं। क्रेडिबिलिटी ट्रैप क्या होता है? जब मार्केट में आपकी इज्जत बढ़ जाती है तब भी टेंशन है, सबसे पहले अभी 143 लोग हैं, 150 हो गए, थैंक यू विपिन गुप्ता जी। आप ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता देना, जिन्होंने पहली बार सुना राहुल मलोदिया क्या है, पहली बार ये टॉपिक देख रहे हैं, पहली बार जो है एक बार चैट बॉक्स में बता देना कि भाई साहब फर्स्ट टाइम या FT लिख देना, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं उनको 5 मिनट इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि अपन क्या कर रहे हैं। तो बस मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं आपको ये बताने के लिए, उन लोगों को जो फर्स्ट टाइमर है, पहली बार अटेंड कर रहे हैं, ठीक, कि मैं कौन हूं, क्या हूं और क्या चल रहा है सर। जो फर्स्ट टाइमर एक बार चैट बॉक्स में लिख दे कि एक दो लोग भी हैं कि नहीं है, अगर कोई भी नहीं है तो बात ही खत्म, अपन सीधे आगे बढ़ते हैं। और जो फर्स्ट टाइम है, ठीक है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम, ओके थैंक यू सर। सो आप फर्स्ट टाइम है, सबसे पहले तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली बार जब भी मैं लाइव जाऊं, क्योंकि ये जो बाकी मेरे ऑलरेडी मेंबर्स हैं इनके पास तो क्या है कि मेरे व्हाट्सएप की तरफ से मैसेज चला जाता है, मेरी टीम मैसेज कर देती है इनको, तो इनको तो पता पड़ जाता है, आपको शायद नहीं पड़ेगा, तो आप एक बार चैट बॉक्स को क्लिक कर लेना ताकि आपको पता पड़ जाए। तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस मैच कोच एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और मैं खुद को बिजनेस फ्रीडम एनालिस्ट कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा सिंपल सा मानना है कि बिजनेस आपका दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करना चाहिए, और जो आजकल ट्रेंड चल रहा है 10x 10 गुना हो जाना चाहिए, ऐसा ही हो जाना चाहिए, मेरा भी मानना है। लेकिन ये आपकी हेल्थ की कॉस्ट पे, फैमिली फ्रेंड ड्रीम्स हॉबी की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। आपके सपनों, आपका बिजनेस वो व्हीकल होना चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ पहुंचाए, बिजनेस वो बुलडोजर नहीं होना चाहिए जो आपके दोस्त को फैमिली को परिवार को सपनों को हॉबी को हेल्थ को कुचलता हुआ चला जाए। तो बिजनेस शुड बी अ व्हीकल जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ना कि वो जो आपके सपनों को कुचल दे, जो आपको फ्रेंड्स फैमिली हेल्थ से दूर कर दे। तो मैं बिजनेस फ्रीडम का एवेंजलिस्ट हूं, मतलब मेरे कहने का मतलब है बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे, बट हम उसी समय एट द सेम टाइम जीवन भी जी लें, सपने भी जिए, अपनी हॉबी भी फॉलो करें, तो हम फ्री रहते हुए, बिजनेस से फ्री रहते हुए कैसे काम करें। और जितनी भी बड़ी शहर की बड़ी कंपनियां हैं या बड़े शहर में जो लोग बैठे हैं, उनको क्या है, नॉलेज का एडवांटेज है, उनको पता है कि लोगों की हायरिंग कैसे करें, फायरिंग कैसे करें, मैनेज कैसे करें, फाइनेंस के बारे में उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रत्ती रत्ती पता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल पता है, उनको सेल्स के प्रिंसिपल पता है, मार्केटिंग के प्रिंसिपल क्या है, बिजनेस की जो बारीकियां हैं, निटी ग्रिटी, जो हमको नहीं पता पड़ती वो उनको सब पता है, इसीलिए वो बड़ी कंपनियां बड़ी है और दिनों दिन बड़ी होती जा रही है। उन लोगों के पास एडवांटेज एनवायरमेंट है, वो जिस एनवायरनमेंट में लोग बैठे हैं उनके पास आसपास लोग भी ऐसे ही हैं कि जो ये बात करते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, आपका फंडिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, आपकी बार क्या कर रहे हो वर्किंग कैपिटल साइकिल को शॉर्ट करने के लिए, अपन इस तरह की बातें ही नहीं करते, क्योंकि न तो हम जानते, और अगर हम जान भी जाएंगे तो हमारे आसपास ऐसा सर्किल ही नहीं है जो हम जिससे हम ये बातें कर सके। और तीसरा, उनके पास इकोसिस्टम है, उनके पास बड़े बड़े कंसल्टेंट बैठे हैं जो कहते हैं भैया क्या चाहिए, फाइनेंस की दिक्कत है हम आए, सेल्स की दिक्कत है हम आए, एचआर की दिक्कत है हम आए, पर वही सारे दरवाजे छोटे शहर के छोटे बिजनेसमैन के लिए बंद है, क्योंकि ना उनको किसी तरह की कोई नॉलेज दी जा रही है, ना उनके पास एनवायरमेंट है, ना उनके पास इकोसिस्टम है। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाके हम नॉर्मली अगर बात करते हैं कि सर मेरे एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओगे क्या, वो कहेगा भैया पहले रिटर्न भरा ले, TDS की रिटर्न भर ले, GST की रिटर्न भर ले, इनकम टैक्स की रिटर्न भर ले, बाद में कर लेना, क्या फालतू बातें कर रहा है तू, पहले इस पे दिमाग लगा, आपकी TDS की रिटर्न तो गई नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले पूछने आ गए आप, वो भी करेंगे, अभी मेरे पास 50 फाइलें पहले खत्म हो जाए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो छोटे शहरों में नॉर्मली हमारे पास वो स्कोप नहीं होता, वो इकोसिस्टम नहीं होता, वो लोग नहीं होते, हम हायरिंग के लिए निकलते हैं हमें बंदे ही नहीं मिल रहे, हम ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं हमें ट्रेनर ही नहीं मिलते, ये सारे दरवाजे बंद थे। तो हम कौन है, हम लोग मतलब जितने भी लोग हमारे रेगुलर अटेंडीज हैं, हम है फ्रीडमप्रेन्योर्स। फ्रीडमप्रेन्योर क्या होता है, हम वो एंटरप्रेन्योर हैं जो कि फ्रीडम चाहते हैं,
हम चाहते हैं बिजनेस तो चले ही चले पर हम फ्रीडम भी रहें। तो हमारे इस ग्रुप का, मेरा और हमारे साथ 700 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उनका मिशन क्या है, हमको नॉलेज दे। तो हम क्या करते हैं, वीकली नहीं, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, हम मंथली 10 घंटे की क्लासेस करते हैं लाइव, जिसमें आपको रोज 2 घंटे, हमको हर महीने बताते हैं कि 2 घंटे भैया फाइनेंस के बारे में, 2 घंटे अकाउंट्स के बारे में, 2 घंटे अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, 2 घंटे एम्प्लॉय के बारे में, 2 घंटे आपके खुद के बारे में, 2 घंटे सेल्स मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बारे में बताते हैं। हर महीने हमारा एक बैच बनता है जिसमें 200-250 लोग आते हैं और हम ये डिटेल में नॉलेज 10 घंटे की डिस्कस करते हैं। और इस तरह के वीकली सेशन, उसमें से कुछ जो पर्टिकुलर टाइप है, जो 200 लोग होते हैं उन 200 में से 50 लोग छटके नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, उसमें से उन लोगों के लिए ऐसे वीकली सेशन इस तरह के कि आज हमने ये टॉपिक उठाया, किसी दिन क्या टॉपिक उठाते हैं, लास्ट टाइम ने मैकेंजी की केस स्टडी उठाई थी, आप जाके मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरी मैकेंजी की केस स्टडी थी। अभी हम आगे जाके टाटा उठाने वाले हैं, एशियन पेंट्स कर चुके हैं, हल्दीराम कर चुके, बुक समरी कर चुके। तो हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिन लोगों के लिए दरवाजे बड़ी कंपनियों ने, बड़े शहरों ने बंद कर दिए, हम खोलने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का साथ रहेगा तो शायद इसमें सफल हो पाएंगे। इन्वायरमेंट है, आज की रेट में हमने 6 महीने पहले सफर चालू किया था ऑनलाइन आने के बाद, और मेरे पास गर्व है कि 185 शहरों से लोग जुड़े हुए हैं, 700 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, और हम 2021 को 5000 प्लस लोगों से क्लोज करने वाले हैं। तो ये 5000 से ज्यादा जो लोग हैं, हम आपस में मिलके, ताकि आपको पास एक एनवायरमेंट मिले, एक माहौल मिले, आप जहां भी बैठे हैं छोटे शहर में छोटी दुकान लेके, वहां पे हमको लगता है हम किससे डिस्कस करें, क्या बात करें, यहाँ लोग हैं जिनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इन्होंने भी वही नॉलेज लिए जो आपने लिए। तो आप लोग एक तरह से कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो। और फाइनली हम आगे जाके इकोसिस्टम एक डेवलप कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं बिजनेस का हर डायमेंशन, कि चाहे आपको ट्रेडमार्क की जरूरत हो तो हमारे पास बंदा होना चाहिए, आईटी की जरूरत हो, चाहे हायरिंग की जरूरत हो, मार्केटिंग की हो, ब्रांडिंग की हो, फाइनेंस की हो, एचआर की हो, हर चीज़ के लिए हम आज हम उस पर प्रयास रहते हैं। 2021 खत्म होते होते हम 20-21 लोगों का ऐसा पैनल बना लेंगे कि बिजनेस की कोई भी सर्विस इन 5000 आदमी को जरूरत है तो वर्ल्ड की बेस्ट सर्विस बेस्ट लोगों से आपको डिलीवर करवाएंगे बेस्ट प्राइस पे, ऐसा हम कर रहे हैं। और इसके बारे में और जानने के लिए आपके पास 2 सोर्स हैं, आप rahulmaldiya.com पे जाएंगे, तो एक मेरी फ्री वेबिनार होती है हर संडे 11 से 1, तो वहां पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कल मेरी वेबिनार है 11 से 1, उसका पार्ट होके समझ सकते हैं मिशन क्या है कंप्लीट डिटेल में। और ये जो मेरी वीकली क्लास होती है उसका भी एक रजिस्ट्रेशन होता है जो सिर्फ मात्र 777 रुपए का है इंक्लूडिंग GST, तो 777 रुपए में कंप्लीटली ये आपकी 10 घंटे की जो क्लास है बुकिंग होती है। तो आप चाहे डायरेक्ट जाके क्लास के लिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं या फिर आप जाके कल की वेबिनार के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। 11 से 1 अपन 2 घंटे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि अपना क्या विजन है और क्या मिशन है, ठीक। तो इसी के साथ अपन वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, विच वॉज द क्रेडिबिलिटी ट्रैप, कि भैया क्रेडिबिलिटी ट्रैप क्या है अपन बात करते हैं। पहला हमारा क्रेडिबिलिटी ट्रैप ये है साहब कि देखो, किसी भी गिवन मौके पे एट एनी गिवन टाइम आपके बेस्ट बिजनेस में कुछ पैसा फंसा होता है, स्टॉक में कुछ पैसा फंसा होता है, डेटर्स में, यानी आप उठा के देखेंगे कोई भी कंपनी, पता चला 20-21 लाख का माल पड़ा है, 30-21 लाख मार्केट में उधारी में अटके पड़े हैं। सबके साथ होता है, किसी का फिगर ये 2 करोड़ और 3 करोड़ होगा, किसी का फिगर 2 लाख और 3 लाख होगा, बट एट एनी गिवन टाइम कुछ पैसा डेटर कुछ पैसा स्टॉक में अटका ही रहता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि भैया हम क्रेडिटर का कुछ अटका के बैठ जाते हैं भाई हमारा इधर अटका हुआ है तो हमने तेरा अटका लिया भाई साहब, तो हमने जैसे हमने अगर ये हमारे 25 लाख के इन्वेस्टर हैं क्रेडिटर, तो हम भी तो किसी के इन्वेस्टर बने हुए हैं। सोचो ना, हमने जिन जिन लोगों को पैसा दे रखा है हम ब्याज नहीं ले रहे, वो उन लोगों ने वो लोग हम उनमें इन्वेस्टर हैं ही ना, तो हम क्या करते हैं कि भैया 50 लाख हमारा अटका हुआ है तो हम 25 लाख अगले का भी रोक लेते हैं। तो ये कैसे काम चलेगा आप बताओ, आपके 25 लाख रुपए तो 20 लाख स्टॉक में फंस गए, 30 लाख डेटर में फंस गए, पर आपने रोका तो 25 ही है, तो ये बैलेंस 25 लाख कैसे आएगा? आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। ये 25 लाख या तो आप जेब से लगाते हैं या फिर लोन लेके लगाते हैं या आप CC लेते हैं या आप OD लेते हैं, वही आपका वर्किंग कैपिटल लोन है। सॉरी, कोई जबरदस्त तरीके से याद कर रहा है सर आप में से। तो 20 लाख का आपका माल अटका हुआ है, 30 लाख का पैसा अटका हुआ है, लेकिन 25 लाख आपने अटका रखा है, लेकिन 25 लाख कहां से लाओगे? वो होता है वर्किंग कैपिटल। लेकिन
जब हमारी मार्केट में रेपुटेशन होती है बहुत तगड़ी, हमारा प्रोडक्ट चलता है नंबर वन, तो पता चलता है कि हमारे डेटर्स होते हैं बहुत कम, क्योंकि हम कहते हैं भैया करंट में सौदा करो, ये इधर माल दिया अभी करंट एडवांस में पैसे दो, या फिर हैंड टू हैंड डिलीवरी पे पैसे दो, या फिर भैया ऐसा है कि 10 लाख का माल बेचा ना तो 8 लाख तो अभी चाहिए और 2 लाख 15 दिन में दे देना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जब मार्केट में रेपुटेशन होती है तो डेटर्स में पैसा कम फंसता है, क्योंकि आदमी आपको डेटर्स में पैसा तब फंसाना पड़ता है जब आपको लगता है भैया माल ले लो, आप तो 30 दिन बाद दे देना, 7-10 दिन बाद माल तो लो। लेकिन जब आपका माल इतना स्ट्रांग होता है, आपकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि आदमी कहता है भाई साहब एडवांस लो लेकिन माल तो दे दो प्लीज, तो आपके डेटर्स में पैसा कम अटकता है और वेंडर्स आपके खुले दिल से तैयार होते हैं साहब। वेंडर क्या बोलता है, अरे भाई साहब आपसे काहे के पैसे, आप तो बताओ कितने का माल भेजना है, 20 लाख का भेज देता हूँ, 30 लाख का भेज देता हूँ, पेमेंट आराम से करते रहना भाई साहब, आप कहाँ भागे जा रहे हो, आपका पेमेंट तो सोने की पेई में सेफ है। तो उस केस में स्थिति होती है कि आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही नहीं रहती। तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों नहीं रहती भाई साहब, स्टॉक में मेरे 20 लाख फंसे हुए हैं पर मार्केट में मेरे 30 लाख 10 लाख ही फंसे हुए हैं, तो मेरा फंसा हुआ कितना है मार्केट में, 20 लाख स्टॉक में 10 लाख डेटर्स में, लेकिन मेरे को लोगों ने उधारी दे रखी है 50 लाख की। तो भाई साहब मुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत कहाँ है, जनता ने 50 लाख की उधारी दे रखी है, उसी को बेच बेच के मैं तो बैठा हूँ, तो मेरे पास तो बल्कि 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गया। अब मुझे आप बताओ वर्किंग कैपिटल की मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरा स्टॉक में कम फंसा हुआ है, डेटर्स मेरे कम है, उधर से उधारी मिल रही है मुझे, मैं माल उधारी पे लेता हूँ बेच एडवांस में देता हूँ, तो मुझे तो वर्किंग कैपिटल चाहिए ही नहीं, क्या ये स्थिति भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्या ये स्थिति भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि आपको पैसा सामने से एडवांस आ रहा है, इधर से आपने उधारी ले रखी है, क्या ये स्थिति भी एडवांस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कभी भी? क्या ये स्थिति भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? क्या ये स्थिति भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? चैट बॉक्स में बताना सर, ये थोड़ा सा लैग चल रहा है 20-25 सेकंड का, इस कारण आपको मेरी बात समझ आएगी। एसके जी कह रहे हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एजू के कह रहे हैं हाँ नहीं। सर जो नहीं कह रहे हैं उनका तो समझ में आता है, जो हाँ कह रहे हैं वो ये तो बताओ क्यों। हेमंत जी कह रहे हैं ये स्थिति दिक्कत क्रिएट कर सकती है, क्यों कर सकती है, यस क्यों। विजय पांडे जी कह रहे हैं नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती। तो जो यस और नो कह रहे हैं रीजन के साथ कि क्यों नहीं कर सकती और क्यों कर सकती है, बताओ साहब क्यों कर सकती है क्यों नहीं कर सकती। पंकज जी कह रहे हैं लापरवाही हो तो कर सकती है, ओके नहीं कर सकती पता नहीं, ओके डोंट वरी हम बताते हैं सर। सर पॉइंट क्या है, ऐसा करने से करंट रेशियो नेगेटिव हो जाता है। जब आपका पहला सिनेरियो था आपके मार्केट में 50 लाख अटके हुए थे, 50 लाख आप मार्केट से मांगते थे, 25 लाख जनता आपसे मांगती थी, तो करंट रेशियो था 2:1, यानी मार्केट में आप मांगते, आपसे लोग कितने मांगते हैं 25 लाख और आप मार्केट में कितना मांगते हो 50 लाख, यानी मार्केट में मांगते हैं आपसे 1 रुपए, आप मार्केट से मांगते हो 2 रुपए, आपका करंट रेशियो जोरदार है मस्त तो टॉप हो। लेकिन दूसरा सिनेरियो आते ही क्रेडिबिलिटी टॉप होते ही, अब मार्केट आपसे मांगता है 50 लाख रुपए और आप मार्केट से मांगते हो 30 लाख रुपए, यानी अब मार्केट आपसे 1 रुपए मांगता है, चुकाने के लिए आपके पास 0.67 है। तो जब भैया गाड़ी चल रही होती है धनाधन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर जिस दिन गाड़ी उल्टी हो जाती है, अभी तो रोटेशन भाग रहा था, सिस्टम भाग रहा था, उड़ रहा था, है ना भाग रहा था, लेकिन अब रुक गया तो क्या कर लोगे, अब तो उल्टा हो गया मैटर। अब जब मैटर उल्टा फंस गया तो अब डेटर्स ने पैसे रोकने चालू कर दिए और क्रेडिटर कहता भैया आप तो ला दो पैसा, वैसे देखो आपको इतने साल से उधारी दे रहे ना, अब तो हम भी फंस गए अब दे दो। अरे भैया जब चाहिए नहीं थी जब तू दे रहा था, अब साले चाहिए तो तू वापस ही मांग रहा है, ये क्या चक्कर है भाई। ऐसा ही तो होता है। ओम सिंह जी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हमेशा पैसा हाथ में, सर हमेशा पैसा हाथ में पर उल्टा हो जाएगा ना मामला, जैसे ही मार्केट घूम गया, जैसे भी मार्केट घूम गया उल्टा हो गया यूटर्न ले लिया, उस दिन भाई साहब नेगेटिव रेशियो नेगेटिव हो गया करंट। और जब बैंक में आप पास लोन लेने जाते हो तो बैंक बोलेगा भैया तो मार्केट में तेरे से ज्यादा मांगते हैं, तेरे को पैसे देना रिस्की है,
तो उस समय तो बैंक भी नहीं देगा पैसे, उस समय बैंक भी पैसे नहीं देगा और मार्केट घूम गया तो उल्टा लटक जाएंगे अपन। और तीसरा और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड सर बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, एक बार बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, होल्ड कीजिएगा। सही चल रहा हो गया करेक्ट। सो आई एम बैक सर, अगर मैं वापस आ गया हूं तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो कि बैक, तो मैं आगे बढ़ूं। अगर मैं वापस आ गया हूं तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो कि भैया आई एम बैक, तो मैं आगे बढ़ूं। वापस आ गया सर, एक बार बैक लिख दो चैट बॉक्स में तो मैं आगे बढ़ता हूं। सुनील जी कहते हैं नहीं बैठ सर, बोलना पड़ेगा, हमारे जो कैमरा मैन है ये बड़े कंजूस हैं एक्चुअली, ये इन हमारे साथ क्रेडिबिलिटी ट्रैप है, ये मेरे से एडवांस ले लेते हैं पर वहां से काम नहीं करते हैं। थैंक यू। तो सर क्या होता है, सबसे बड़ा जो क्रेडिबिलिटी ट्रैप है जिससे आदमी लॉन्ग टर्म में जाता है ये तो फिर भी संभाल लेता है, रिसेशन आ गया तो आप कह सकते हो पुराना व्यवहार है, कैसे न कैसे आप व्यापारी हो एडजस्ट कर लोगे, अटकते बताऊं कहां पे हो आप, यहां अटकते हो। अब आप सोचो ना आपके साथ क्या हुआ, आपको पैसे की जरूरत तो 30 लाख की थी पर आ 50 लाख गया, पर ये आया तो साला शॉर्ट टर्म ही है, लेकिन जब 20 लाख पड़ा होगा आप क्या करोगे, आप लॉन्ग टर्म में लगा दोगे, आप ये बोलोगे भैया पैसा तो 50 लाख अगला आदमी देके ही पड़ा है, अब आपने माल बेचा माल का एडवांस पेमेंट आ गया, माल तो बेचा माल का एडवांस पेमेंट आ गया खाते में पड़ा है, और आप क्रेडिटर को बोलते हो लगा दोगे तेरे ट्रांसफर, कहता है भाई साहब क्या बात कर रहे हो, आराम से दे देना, जल्दीबाजी थोड़ी है। तो अगला आदमी मांग नहीं रहा मुझसे, अगला आदमी मांग नहीं रहा मुझसे, और इधर वाले ने तो दे दिया, तो मेरे पास तो पैसा पड़ा है। अब मैं कहूंगा भैया पैसा तो पड़ा ही, एक काम करेगा ऑफिस में रिनोवेशन करा लेते हैं, ऑफिस में करा लिया रिनोवेशन, उसका रिटर्न आएगा नहीं, या आएगा तो लॉन्ग टर्म में आएगा, ये तो भाई साहब मार्केट घूमते गया लाओ पैसा, शॉर्ट टर्म पैसा लॉन्ग टर्म में घुस गया ना। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, आप सोचो ना आपका दोस्त बोले भाई ऐसा काम कर 1 लाख रुपए तेरे को देके जा रहा हूं, मैं जरूरत पड़ेगी जब मांग लूंगा, आपने उससे पूछा अरे भाई पैसे चाहिए क्या, अरे भाई रख तू यार कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपने एक महीने से पड़ा है खाते में, 1 महीने से 1 लाख रुपए पड़े क्या करूं मैं, और आप पूछते हो अरे भाई अरे चाहिए क्या पैसे, अरे भाई दूं क्या, अरे दिवाली आ गई ले ले, अरे यार चाहिए नहीं यार तू ऐसे क्या करता है, जब चाहिए तो मांग लेंगे, आप कहते हो अरे तो मांग ही नहीं रहा, एक काम करता हूँ इस 1 लाख रुपए से मैं आईफोन ले आता हूँ, ये तो मांग ही नहीं रहा, जिस दिन मांगेगा तो दे देंगे, मांग तो रहा ही नहीं है। अब आप आईफोन लेके आ गए, 15 दिन में कहता है हाँ भाई अब दे दे, यही होगा यही होगा। जब नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आती है, जब नेगेटिव करंट रेशियो आता है, तब क्या होता है, पैसा ज्यादा होता है शॉर्ट टर्म में तो लग जाता है वो लॉन्ग टर्म में, इसीलिए हमको हमेशा पता होना चाहिए खाते में पैसा पड़ा है कौन सा पड़ा है, शॉर्ट टर्म वाला पड़ा है कि लॉन्ग टर्म वाला पड़ा है। और अगर ये शॉर्ट टर्म वाला पैसा पड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, वेंडर कहते हैं भाई नहीं चाहिए उधार यार, तो नकद ले लेकिन डिस्काउंट बता। अब आप बोलोगे नहीं नकद चाहिए, अब तो उधारी चाहिए नहीं, मेरे पास पैसा पड़ा ही है ना, तेरे से लेके क्या करूंगा, तू तो तेरे को पैसे चुकाऊंगा लेकिन कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, मेरे पास तो पैसा एक्स्ट्रा पड़ा ही है ना, ले तेरा पेमेंट अभी करता हूं। ये जो रोटेशन घूमता है ना इंडिया मार्ट में, ये कौन सा भी खुला था, राधाश्याम दबानी वाला इंडिया मार्ट ही था, मैं भूल रहा हूँ सर, इंडिया मार्ट नहीं यार, वो कौन सा था, कोई था ना एक, ठीक है, ये जितने भी मॉल्स वगैरह खुलते हैं उसमें क्या है कि भैया पेमेंट तो आ रहा है एकदम करंट, आटे का कट्टा 1 करोड़ रुपए का लक्ष्मी भोग आटा ले लिया साहब, 1 करोड़ का लक्ष्मी भोग आटा ले लिया बिग बाजार में, अब वो आटा उसने 1 करोड़ का लिया वो तो खटक से इमीडिएटली बिक गया, अब लक्ष्मी भोग वाला आटा कह रहा आप तो 30 दिन में पेमेंट करना, बिग बाजार कहता है नहीं करना 30 दिन में पेमेंट, मेरे पास तो आ गया 3 दिन में पेमेंट करूंगा लेकिन मुझे 5 रुपए कम कर दे, 5 रुपए कम कर, 10 रुपए कम कर, 15 रुपए कम कर, रोटेशन भगाते। यस मनीष जी कह रहे डीमार्ट, यस डीमार्ट आ गया, तो क्लियर है बात सर, सो नाउ क्रेडिबिलिटी इज क्लियर। अब एक बार क्वेश्चन एंड आंसर किसी को पूछना है तो 5-10 मिनट में आपके साथ और हूं,
और आज का सेशन कैसा लगा वो भी चैट बॉक्स में बता देना, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त यार भाई फ्रेंड्स तक इसको फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू पहुंचा देना भाई साहब। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भैया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली बार आप तक न्यूज़ फटाफट पहुंच जाए। मैं जब भी लाइव आऊंगा आपके पास न्यूज़ अपने आप पहुंच जाएगी। आप एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ठीक है सर। अब बताइए एनी क्वेश्चंस बाय एनीबडी, या पहली बार सेशन कैसा लगा वो भी एक बार चैट बॉक्स में डाल देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और क्वेश्चन हो तो आप पूछो साहब। थैंक यू सर। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू विपुल कुमार जी, थैंक यू आयुष जी, संदीप जी, सुरेश, संतोष जी, मनीष जी, थैंक यू अकेश जी, थैंक यू। और बाकी किसी का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी पूछिए। एक क्वेश्चन है सर आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, इससे पहले कोई पूछे मैं पूछता हूँ कि सर फिर अपन क्या करें, धंधा चालू करते टाइम एक लोन लेके करें क्या? मैं कहता हूँ नहीं, धंधा चालू करना है अपने पैसे से, अपनी कैपिटल से, क्योंकि जब धंधा चालू कर रहे हो उस समय एक तरह से देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। लोन का पैसा हमेशा तब लेना चाहिए जब या तो आपको पता हो कि धंधा, जैसे मान लो आप एक साल में एक बिजनेस में 10 साल से ऑलरेडी काम कर रहे थे, एक साल में 10 साल से ऑलरेडी ही काम कर रहे थे, तो आपको पता है कि भैया ये धंधा ऐसे ऐसे चलता है, तो आप चाहे कंपनी नहीं डाल रहे हो, दुनिया की नज़र में पहला दिन है, आप तो 10 साल से कर रहे हो, आप पहले दिन लोन लेके इन्वेस्टमेंट लेके कर सकते हो, पर अभी आपको खुद को ही नहीं पता बिजनेस कैसे रिएक्ट करेगा, तो पहले खुद के पैसे से काम करते, खुद के पैसे से एक बिजनेस मॉडल सेट करते, जब हमको लगता भी धंधा समझ में आ गया, दुकान सेट हो गई, ग्राहक सेट हो गए, हमको फ्लो आने लग गया पैसे का, हमको समझ में आने लग गया, हमारे हेमंत जी को समझ में आने लग गया कि 10 रिक्लाइनर लाऊंगा तो एक महीने में 10 के 10 बिक जाएंगे और इतने रुपए का मार्जिन आराम से है, आराम से 1 लाख का रिक्लाइनर मिल जाता है और आराम से 1-10 का बिक जाता है और एक महीने के अंदर अंदर ही बिक जाता है, जब ये कैलकुलेशन आ जाएगी तब बेचेंगे। क्योंकि हेमंत जी ने अगर पहले दिन से लोन ले लिया और फिर रिक्लाइनर लेने गए और पता पला रिक्लाइनर इनको मिली 1-10 में रहा है और ग्राहक 1-5 से ऊपर दे ही नहीं रहा, यार 1-10 पे रिक्लाइनर आया था पर ग्राहक कह रहा है 1-12 में दे दो, 1-13 में दे दो, तो निमट गए भाई साहब अपन। तो जब तक एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल प्रूव नहीं हो जाता, जब तक राहुल मल्होत्रा ने डिवाइस कर लिया 1 लाख लगाने से 1,05,000 आते ही आते हैं, तो मैं लोन के लिए जाऊंगा भैया मैनेजर आगे से। खुद का पैसा ना हो तो सर, खुद का पैसा नहीं हो तो फिर ऑप्शन ही क्या है, ऑप्शन तो पूछना तो तभी है कि ए या बी। सर मैं, आप बोलो सर आम खाऊं या संतरा खाऊं, मैं क्यों है क्या आपके पास, बोले संतरा, तो फिर पूछ ही क्यों ना, जब आम है ही नहीं तो जो है वही खाना पड़ेगा सर। फिर तो जब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करोगे सर, ऑप्शन है तो पूछे ये या ये है ही एक, तो फिर बात ही खत्म है। सर उधार वाला मनी कैसे मांगेंगे, सर उधार वाला कैसे मांगते हैं बताओ, यारों दोस्तों से, अपनी पुराने रेपुटेशन के आधार पे मांगते हैं, बैंक से बैलेंस शीट के आधार पे मांगते हैं। बैंक इसीलिए 3 साल की बैलेंस शीट क्यों मांगती है, लॉजिक पे जाओ, बैंक 3 साल की बैलेंस शीट क्यों मांगती है, बैंक कहती है मुझे दिखा तू क्या कर रहा है, तेरा बिजनेस में रोटेशन तू अच्छे से घुमा पा रहा है क्या, तूने आज तक जो पैसा लगाया उससे क्या कमाया, आज तक जो पैसा लगाया उससे अगर तू सही खेल रहा है तो मैं भी पैसा दे दूंगी, और आज तक जो पैसा लगाया उसी का गुड़ गोबर हो रखा है भैया नहीं दूंगी पैसा, इसीलिए इंपॉर्टेंस है बुक्स और बैलेंस शीट क्लीन रखने की। बैंक लोन भी अपनी सिक्योर्ड लायबिलिटी है, सही बात है सर, मैंने वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल ही आ गया ना, जहां आपने सिक्योर्ड ले लिया, जहां आपने लंबा ले लिया, वो भी आपका लोन है, बस उस पर रिटर्न कम है, उस पर रिटर्न कम है। बैंक में आपको फिक्स है कि 12 रुपए कमाने भैया। तेलुगु उपाध्याय जी का क्वेश्चन है, स्कूल की फीस और खर्चा सैलरी है, उसमें आय और व्यय के कैसे फायदे नुकसान, स्कूल की फीस है खर्चा सैलरी है उसमें आय और व्यय में, सर क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा हूं आपका। एक बार पृथ्वी जी रोकेंगे क्या इनको, एक बार कोई किसी पे वो करो ना मार्किंग। खुद का कैपिटल 5 लाख से होलसेल एंड रिटेल, ग्रॉसरी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टार्टिंग करने वाला हूँ सर, डोर टू डोर सर्विस भी होगा विद एन एप्लीकेशन थ्रू,
क्या ये सही प्लानिंग है? सर नहीं कह सकती मैं, ऐसे नहीं जवाब दे सकता, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस 5 लाख से आपकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, और इस 5 लाख को आप जहाँ जहाँ लगा रहे हो उससे आपकी रिटर्न क्या आ रही है, आपके कितने साइकिल निकाल पाओगे, कितनी बार घुमा पाओगे। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, वो फॉलो आपको करना पड़ेगा। आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, अपना मार्जिन निकालो, अपने साइकिल निकालो, वो फॉर्मूला लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। कैपिटल कैपिटल फंड का यूज एनपीए में और पर्सनल एक्सपेंस नहीं करना चाहिए, यही मीनिंग हुआ ना जो आपने बताया? यस सर, कि आपने जो भी शॉर्ट टर्म का पैसा है जो आपको महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने वापस देना है, उस पैसे को ऐसी जगह मत लगाओ जिससे या तो उसके बराबर रिटर्न ना आता हो और दूसरा वो उसके बाद आता हो। आपने 2 से 3 महीने के लिए पैसे लिए और उसको किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए जहां से 12 महीने में आएंगे, तो आप अटकोगे ही ना। तो दोनों चीज होनी चाहिए। आपने 2 से 12% पे लिए तो अगले को 18 पे दो, पर अगले से बात करो कि भैया तू 2.5 महीने में ही चुका देना, तो आप बिजनेसमैन हो। आपने 12 पे लेके 18 पे दिए, पर 12 वाला 3 महीने बाद ही आ गया और 18 वाला साल भर बाद आया, तो नहीं बैठेगा। मेरा ट्रॉफी अवार्ड का काम है, रोटेशन कम है, क्या करना चाहिए? सर रोटेशन बढ़ाना चाहिए, आप ऐसे प्रोडक्ट पे काम करो जो ज़्यादा बिकते हो, तेजी से बिकते हो, बिना बात के स्टॉक से मुंह मत लगाओ, स्टॉक को देखो जो 2-3 महीने से मूव नहीं कर रहा उसको चाहे डिस्काउंट पे निकालो, और ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो फटाफट फटाफट बिके, रोटेशन वाले प्रोडक्ट पे काम करो। जॉब और बिजनेस एक साथ कर सकते हैं? सर कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, बट नॉर्मली फिजिबल नहीं हो पाता, तो जॉब करके मतलब बिजनेस, ऐसा बिजनेस कोशिश करो अगर आप मैनेज कर सको तो, लेकिन एक लेवल के बाद आपको शिप जंप करनी पड़ेगी, इधर से उधर आना पड़ेगा। डेविल्स एंड एंजल्स जी पूछ रहे हैं कि कॉमन फंड में कैसे बताऊं जो लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म है। सर आप तो कॉमन फंड तो होता ही नहीं ना, आप तो देखो या तो उस पैसे को देख लो आपको देना कितना है, आपके देने वाले कौन है। बैंक आपसे मांगता है, बैंक से CCOD है तो शॉर्ट टर्म है, बैंक से लंबा लोन है तो भैया लॉन्ग टर्म है, और आपने और बैंक का सोर्स ही समझ नहीं आ रहा है पैसा किसका है, तो फिर वो अगर वो पैसा खुद का है तो लॉन्ग टर्म है, खुद का है तो लॉन्ग टर्म है, और किसी को चुकाना है तो पूछ लो किसको कितना चुकाना है, तो जितना जितना मार्केट में चुकाना है आप देख लो कि मार्केट में किसी को चुकाना है क्या। अगर चुकाना है तो जिसको शॉर्ट टर्म में चुकाना है वो शॉर्ट टर्म है, जिसको लॉन्ग टर्म में चुकाना है लॉन्ग टर्म है, और किसी को चुकाना ही नहीं है तो वो अपनी कैपिटल है। सर उधार लगाना चाहिए नहीं? जब आपको बिजनेस समझ में आ जाए कि मेरे बिजनेस में फिक्स मार्जिन है, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, उस समय लोन का पैसा लेके लगाना चाहिए। जब तक वो बिजनेस का सक्सेसफुल मॉडल ही प्रूव नहीं हो तब तक लोन लेके और गड्ढे में आप जा सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल कैसे पता पड़ेगा? सर सिंपल है ना, जो लंबे जो 5 साल 10 साल 20 साल में चुकानी है वो लॉन्ग टर्म हो गई, जो महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में चुकानी है वो शॉर्ट टर्म हो गई। एक सेकेंड और क्या था, शॉर्ट टर्म फंड का यूज एनपीएफ तो हो गया सर, हो गया कवर हो गया। सर्विस में कैसे लागू होगा? सर सर्विस में, सर आप एक चीज समझना सारे सारे लोग, सर्विस में और ट्रेडिंग में डिफरेंस नहीं है सर, सोर्स तो सेम ही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर्विस में भी तो वही निकल के आ रही है और यूज ऑफ फंड भी सर्विस में वही हो रहा है। आप ये पूरी पीपीटी को दोबारा ये सोचते लगाओ कि मेरा स्कूल है, मेरा कॉलेज है, मेरी सर्विस है, मेरी आईटी है, मेरा सीआरएम है, आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। आपने इस माइंडसेट से बाहर निकलो कि जो बातें हो रही है ये तो ट्रेडिंग की हो रही है, सर्विस का तो कुछ अलग होता होगा। सर्विस का कुछ अलग नहीं होता सर, ट्रेडिंग में से निकलता है। ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग में 10 बातें होती है, उसमें से 3 बातें उन पर नहीं लगती, 7 एज इट इज लगती है। अब इस माइंडसेट से बाहर निकलो हर बार की हमारा अलग होगा, नहीं, जो आपको ये बताया गया है ये सबके लिए है। आपको ये देखना है मैं इसको कैसे अप्लीकेबल करूं, और वो आपको तिलक जी के जो क्वेश्चन आते हैं उनको तो वैसे भी टेंशन नहीं लेनी, आप तो 3 दिन बाद एकदम मैदान में आने ही वाले हो, तो आप टेंशन ही मत लो सर, ठीक है। सर एंजल इन्वेस्टर कैसे लेकर आए अपने नए बिजनेस में? सर आपके प्रोडक्ट में दम होगा तो अपने आप आएगा, सैंपल ऑफ प्रूफ मांगेगा, आप बिजनेस का मॉडल दिखा दोगे तो दिखाएगा, वही है स्टार्टअप बनाओ, जगह जगह पिच करो, टाइम लगेगा, ऐसे नहीं ला सकते भाई, ये प्रोसेस फिक्स नहीं है, सिंपल इसका है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ट्राई ट्राई ट्राई। सर एक बार किसी को उधार पे माल दे दिया और जब पैसा मांगा तो गुस्सा हो गया, उसका क्या करें? दोबारा माल मत दो उसको भैया, ऐसा कोई धंधा थोड़ी कर रहा है, आपने उधारी थोड़ी दी है, आपने माल बेचा है ना, उधार थोड़ी दिया है, उसको दोबारा माल मत दो, उससे वापस मंगाओ, और उसके खानदान में जितने भी लोग हैं उसके आसपास उसके जैसे जितने लोग हैं किसी से धंधा मत करो। मैंने एक मेरी एक वीडियो है कस्टमर इज नॉट किंग, वो देखो आपको समझ में आ जाएगा इन लोगों का क्या करना है।
स्कूल वाला न्यू स्कूल को अपने पैसे से ओपन कर सकता है या लोन से। आपका स्कूल का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, आपका स्कूल का मार्जिन समझ में आता है कि इतना रुपए लगाऊंगा और इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इतने पैसे आ जाएंगे, और आपको लगता है 100% निकल जाएगा, तो दूसरों के पैसे से लगा लेना चाहिए। आपको डाउट है कि हो सकता है यार मेरे, क्योंकि हो सकता है स्कूल सेटल होते होते 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, तो 3 साल आपको डाउट है तो खुद का कैपिटल लगा देनी थोड़ी सी और बाद में लोन लेना है। जहां पर क्लैरिटी आ जाती है लोन ले लेना चाहिए, सीधा सीधी बात। स्कूल में प्रॉफिट और लॉस को कैसे पढ़ा जाए? सर टोटल रेवेन्यू में से, टोटल फीस में से सारी सैलरी और मेंटेनेंस का खर्चा निकाल के जो पैसा आया वो प्रॉफिट है। पीयूष भाई काकड़िया, बिजनेस में कैपिटल कम पड़ रही है तो क्या करें? सर लोन लेना ही पड़ेगा। और आप ये देखो अपनी बिजनेस में कैपिटल कहीं फंसी हुई है क्या आपकी, वहां से निकालो। बिजनेस में नॉर्मली आपका एक्सेस स्टॉक में कैपिटल फंसी हुई है, 25 लाख का स्टॉक लेके बैठे हो, उसमें 10 लाख का 6 महीने से हिला ही नहीं, तो बेचो उसको, चाहे डिस्काउंट में बेचो, 7-8 लाख में बेच दो, लेकिन वो कैपिटल तो निकलेगी। डेटर्स है बिना बात के, 25 लाख के डेटर्स आपके मार्केट में घूम रहे हैं, पकड़ पकड़ के रिकवरी करो, 1 महीने में 6-7 लाख रुपये भी आ जाएंगे। तो आप ये देखो अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल कहाँ फंसी हुई है, पहले वहाँ से निकालो और फिर नई कैपिटल ढूंढो। और बिजनेस सेटल्ड है तो लोन में जाना ही चाहिए। होम शुड बी पे फर्स्ट, बैंक लोन या ट्रेड वेंडर? मेरे हिसाब से ट्रेड वेंडर को, बैंक का लोन तो ऐसा है, बैंक कभी कहता ही नहीं कि मुझे लोन पे करो। बैंक तो ये चाहता है कि भैया और लोन लेता रहे आदमी। तो अगर आपकी बैलेंस शीट अच्छी है तो बैंक को आप लोन चुकाने जाओगे, बैंक बोलेगा अरे सर क्यों चुकाते हो, उसका तो रिन्यूअल ही कर दो। तो आपको टेक्निकली स्पीकिंग ये देखना चाहिए, आप किसी को भी पे कर सकते हो जब आपको महंगा पड़ रहा हो। आपको पता है कि इसको अगर वेंडर को अभी पेमेंट करूंगा तो 3% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसको पहले पेमेंट करो, डिस्काउंट उठाओ। और आपको लगता है बैंक को पेमेंट करके भी क्या 12% ही तो बच रहा है, तो 12% लेने दो। और आपको लग रहा है वेंडर को अभी पेमेंट करके भी कोई डिस्काउंट नहीं मिलना, अभी भी 100 रुपये देने और 3 महीने बाद भी 100 रुपये ही देने, अभी 100 देता हूँ तो डिस्काउंट ही नहीं देता, तो उसको मत दो भैया, फिर बैंक को चुकाओ। 2-3 मेंबर का टीम बन सकता है क्या स्टार्टअप के लिए? बन सकता है सर, स्टार्टअप तो एक आदमी अकेले ही चालू कर देता है, 2-3 में क्या है। स्कूल में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सिस्टम? सर स्कूल हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, सर्विस हो, B2B हो, बेनिफिशियरी हो, सब में एक ही सिस्टम है, जो पैसा लंबे समय में चुकाना है वो लॉन्ग टर्म है, जो पैसा शॉर्ट टर्म में चुकाना है वो शॉर्ट टर्म है। इसमें स्कूल कॉलेज फैक्ट्री से कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर। जिसने कभी बिजनेस नहीं किया वो कैसे शुरू करे? सर सीख के पहले जॉब कर लो कहीं पे किसी के पास, वहाँ सीखो उस धंधे को, या कोई दोस्त भाई बंदा जॉब करता हो उसके साथ लग के सीखो, पहले सीखो फिर करो सर। प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें? सर मार्केटिंग पे अलग से क्लासेस हैं, अलग से वीडियोज़ हैं, तो आप एक बार चैट बॉक्स पे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, अभी टाइम कम है इसको बताने के लिए। थैंक यू सर अजीत जी। लॉजिस्टिक बिजनेस है, बहुत उधारी है सर। उधारी तो वही है, उधारी तभी बढ़ती है जब आप ऐसे व्यक्तियों को लोन देते हो जो कि कैपेबल नहीं होते। अब मेरी एक वीडियो है कस्टमर इज नॉट किंग, उसको आप डिटेल में देखो, आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। और अगली बार अपना जो ब्रांडिंग इस तरह से करो, मार्केटिंग इस तरह से करो कि आप एक पर्टिकुलर टाइप के कस्टमर को डील करो, हर किसी कस्टमर से डील करने की जरूरत भी नहीं है। और एक बार जो फंस गया सर वो तो धीरे धीरे बाहर आएगा, कोई रामबाण अस्त्र नहीं है उसका। B2B B2C क्या होता है सर? B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। यानी आप जब कंपनीज को बेचते हो, कंपनी से कंपनी बेचते हो तो B2B होता है, और आपसे ग्राहक आके लेके जाता है तो B2C होता है। MNC पेमेंट रिलीज नहीं कर रही है, NSSN कैसे रिलीज करें? सर उनका तो मेल की चेन होती है, बट आपको तो पता ही है कॉर्पोरेट्स में CC मारो, उसके सीनियर को CC मारो, उसके सीनियर को CC मारो। और आज की डेट में तो IBC भी लग गया है, 1 लाख से ऊपर अगर आपका पेमेंट बाकी है, एक आप नोटिस भेजोगे 90 दिन में पेमेंट आ जाएगा। ठीक है सर, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, अपनी कैपेसिटी कम होती जा रही है, तो आई होप अपन अगली बार फिर मिलते हैं, मतलब ये अगले सैटरडे हो सकता है यूट्यूब लाइव ना हो, अगले सैटरडे तो सिर्फ कम्युनिटी मेंबर के लिए रहेगा। तो अभी ये सेशन 2 बैक टू बैक लाइव किए, पर अभी हो सकता है कुछ आगे लाइव हो, कुछ नहीं है हमारे YouTube मैनेजर जी बताएंगे कि मुझे कब लाइव करना है, कब ऑफ करना है। पर हाँ ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि महीने में एक बार तो मैं लाइव आऊँगा ही आऊँगा, हो सकता है महीने में 4 बार लाइव ना आऊँ। मेरी एडवांस और एडवांस के लिए तो 4 क्लास रहने ही वाली है, और जो अपने प्रीमियम मेंबर ऑलरेडी हैं उनके लिए तो 4 क्लास वीकली सैटरडे जैसे रहता है वैसे रहेगी, और जो बाकी है वीक में एक बार मैं यूट्यूब पर, मंथ में एक बार यूट्यूब में लाइव जरूर आऊँगा। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। और अगर किसी को और आगे जानना है तो आप कल मेरी वेबिनार है 11 से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लर्निंग जर्नी पे आगे जाना है तो मेरा बेसिक ग्रुप है
जो 777 में आप 10 घंटे की क्लास के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं वो 9 फरवरी से चालू हो रही है। तो आपको दोनों डिटेल्स मिल जाएगी rahulmaldia.com पे। सो प्लीज़ गो देयर एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।